दोस्तों आज हम यहाँ पे मीटिंग स्पेशल ट्रेनिंग यही है हमारा लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। हमें लगता है कि हम सही है, एकदम परफेक्ट है हमें लगता है, मगर छोटी छोटी गलतियों की वजह से आज हम बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पा रहे, छोटी छोटी गलतियों की वजह से। आप सोचोगे, आप दिल में 1000 सवाल रहेगा, मैंने क्या गलती किया, मैंने जूम अटेंड किया, मैं लोगों को प्लान भी बताया बट लोग नहीं जुड़ रहे हैं, मैं सक्सेस नहीं हो पाया, अपने दिमाग में 1000 सवाल चल रहा है। लेकिन आपने जहां पे गलती है क्या वो गलती सुधारे के नहीं, आप वो अपने आप से पूछे। आज इसी के ऊपर बात होगा हमारा, कुछ ऐसी गलतियां जो हम लोग करने की वजह से कुछ लोग कर रहे हैं, इसकी वजह से लाइफ में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं और बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पा रहे, वैसी कुछ गलतियां आज हम देखेंगे। आप मिस्टेक्स, अभी हम आते हैं मिस्टेक्स में। ओके, मिस्टेक्स, पहला मिस्टेक जो हम लोग शुरुआत होते एक अवॉइड करते हैं जूम को, हम लोग ना क्या करते हैं, जूम को अवॉइड करते हैं। हमें लगता है कि जूम में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कनेक्ट करना है, कनेक्ट करके अवॉइड करके छोड़ देते हैं, जूम में आने से मना कर देते हैं। दोस्तों जूम में इतना बेनिफिट है ना, आप नहीं यकीन नहीं करोगे। आज कहीं सारे कोने कोने से देश से बड़े बड़े बिजनेसमैन घर बैठे अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं जूम के जरिए। सोचो ना, आज मुकेश अंबानी प्रधानमंत्री हमारे, वो खुद जूम में मीटिंग करता है। क्यों करता है? टाइम बचत होता है, टाइम बचता है, पैसा बचता है, हमारा सीखने का लर्निंग टाइम बचता है, बहुत ज्यादा सीख सकते हो घर बैठे आप। लोगों को लगता है जूम कुछ नहीं है, जूम को अवॉइड करता है। पहला गलती हमारा यही है, हमें लगता है कि जूम कुछ नहीं है, जूम में सिर्फ मीटिंग होता है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का मीटिंग होता है, सिर्फ प्लान बताया जाता है, हमारे दिमाग में कुछ नहीं आता, हमारे दिमाग में पहला यही है, इसके लिए हम मीटिंग को अवॉइड करते हैं, जूम को अवॉइड करके हम आराम करते घर पे। जूम से बेनिफिट, आज की तारीख में हर एक बच्चा जूम में पढ़ाई कर रहा है। यूएस के ऑक्सफोर्ड जो इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी आज मीटिंग ऑनलाइन स्टार्ट किया है। इंडिया से जो बच्चे लोग यूएस पढ़ने जाते थे, आज घर बैठे यूएस की पढ़ाई घर पे कर रहे हैं। सोचो क्यों? पैसा बच गया, फ्लाइट टिकट, रहने का अकोमोडेशन, सारा चीज बच गया। आप लोग को लगता है कि ये जूम अवॉइड करने से आप सक्सेस हो जाओगे, नॉलेज मिल जाएगा आपको? नहीं, जूम में आना पड़ेगा आपको। सेकेंड मिस्टेक, हम बिजनेस में तो आ जाते हैं, बोलते हैं मैं क्राउड वन में आऊंगा, काम करूंगा, सक्सेस होऊंगा। लिस्ट पूछे तो बोलते हैं सर लिस्ट है ना मेरे मोबाइल में, लिस्ट बोले तो मोबाइल में है बोलते हैं। लिस्ट में कितने जन को कॉल किया, कितना लिस्ट निकाला, बोले तो सर मैंने उसको, मेरे दिमाग में है, मैंने उसको कॉल करूंगा, उसको कॉल किया था वो आया नहीं। फ्रेंड्स, जो भी इस बिजनेस में आता है ना, लिस्ट नहीं बनाता है। लिस्ट नहीं बनाने की वजह से आज लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। किस किस को हम प्लान बता रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं है, बोलते हैं कि मेरे पास मोबाइल में है ना सब कुछ। मोबाइल से कुछ नहीं होता है, अगर मोबाइल में रहकर आपको सब कुछ सक्सेस होते हैं तो आज कई सारे लोग एम्बेसिडर बन जाते। आपके मोबाइल लिखा लिए, कम से कम आपके मोबाइल में 500 से 1000 नंबर रहेंगे। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे पास लिस्ट ही नहीं है, मेरे पास कॉन्टेक्ट ही नहीं है। एक शादी का इनविटेशन देना तो कम से कम 200 से 500 लोगों को इनवाइट करते, हुआ कहां से कॉन्टेक्ट आया? जस्ट इमेजिन, लिस्ट हर एक के पास है बट उसको पेपर में लिखना बहुत जरूरी है, आप लिखते नहीं हो। नहीं लिखने की वजह से आज लोगों के पास लिस्ट नहीं है बोल के पीछे हटते हैं। फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में रॉ मेटेरियल क्या है, रॉ मेटेरियल क्या है हमारे बिजनेस में? लोग। आज मुकेश अंबानी के पास, उसके ऑफिस में लोग कम पड़ जाते हैं तो वो न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में एड देता है कि उसको एम्प्लॉयमेंट का सर्विस चाहिए, लोग चाहिए बोल के, तो लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं उसके पास। उसका भी रॉ मेटेरियल लोग ही है। आज एक नॉर्मली एक केक का शॉप ओपन करता है,
तो उसको लोग चाहिए, तो वो पैम्पलेट बांटता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, क्यों? उसको लोग चाहिए, लिस्ट चाहिए। तो हम लोग इस बिजनेस में आए हैं, क्राउड वन में, वर्ल्ड के नंबर वन बिजनेस में हम कर रहे हैं। हम पूछते तो बोले सर 100 का लिस्ट नहीं है, मगर मोबाइल के अंदर कम से कम 250-500 लिस्ट नंबर है। अब लिखने सोचते हो मैं क्यों लिखूं, मोबाइल में है ना, ये चीज ही हमें लेजी बनाता है। आपको पता नहीं अनसक्सेसफुल होने का रीजन ये भी एक है, पहला आज के बाद ये मिस्टेक स्टॉप करो, आप जाके पहला लिस्ट बनाओ, आप कितने को प्लान बताया है, कितने को बताना पेंडिंग है, कितने को दोबारा बताना है, ये सारा चीज करो। स्टार्टअप ट्रेनिंग फॉर न्यू मेंबर, कई सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, जोड़ते हैं नए मेंबर को, फॉलोअप नहीं लेते हैं, ट्रेनिंग नहीं देते हैं इस बिजनेस में आने के बाद क्या करना है। सिर्फ जोड़ने से काम नहीं होता है, या क्राउड वन में मैं बोलता हूं सिर्फ जोड़ने से काम नहीं होता है, गलत इंफॉर्मेशन मत दो, जो भी जुड़ेगा उनको बताओ कि प्रॉपर ट्रेनिंग तो हो के किस तरीके से बिजनेस करना है। जूम अवॉइड नहीं करना है, लिस्ट बनाना है, उसके बाद में उन्हें क्या करना है वो सिखाना बहुत जरूरी है। नए मेंबर को हम सिखाते नहीं, वो जुड़ जाता है, एक महीने के बाद बोलता सर मैं जुड़ गया लेकिन मुझे कुछ बताया नहीं, मुझे कुछ सिखाया नहीं। ये सारे गलतियां हम लोग करते हैं, ये गलतियां नहीं करना है। जो भी नए मेंबर जुड़ते हैं उन्हें शाम के मीटिंग में इन्वाइट करो, अपने अपलाइन से कॉन्टेक्ट कराओ, और उन्हें क्या करना है, लिस्ट कैसे बनाना है, कितना उनको सपोर्ट चाहिए, कहां पे उनको सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट हमें देना है। जब हम ये सपोर्ट देने लगेंगे तो लोग हमारे साथ एक्टिव रहेंगे। हम नए मेंबर को सिर्फ जोड़ के छोड़ने से काम नहीं होगा, उन्हें एक्टिव कराना पड़ेगा, ऐसा काम होता है, किस तरीके से काम किया जाता है। आज की तारीख में कॉल सेंटर में भी कोई काम पे जाता है 15 दिन ट्रेनिंग मिलता है, कहीं पे भी नए ऑफिस में जॉब जॉब 15 दिन ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे यहाँ पे काम होता है, क्या सिस्टम है, सब सिस्टम सिखाते हैं। लेकिन क्राउड वन में जो भी नए मेंबर को जोड़ते हैं हम लोग छोड़ देते हैं, क्यों? आपका बिजनेस नहीं है क्या ये? पैसा कमाने नहीं आए इधर? ऐसे कुछ लोगों के वजह से ही इस इंडस्ट्री का नाम खराब है, लोग जोड़ के छोड़ देते हैं और बाद में ब्लेम करते हैं कंपनी सही नहीं है। थर्ड मिस्टेक है, इसे भी नोट कीजिएगा, जो जो अगर पेन पेपर लेके बैठा है तो नोट करके लीजिएगा सारे मिस्टेक्स। आप करते रहेंगे, कोई ना कोई मिस्टेक करते रहेंगे, इसकी वजह से आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो। फोर्थ स्टेप, फियर ऑफ लॉस न्यू मेंबर। क्राउड वन में इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है, फियर ऑफ लॉस। जो भी नए मेंबर जुड़ता है यहाँ पे 14 डेज के अंदर अगर उसका फियर ऑफ लॉस करते हैं तो उसका जो पैसा डाला है 10,000 उसको रिफंड होता है, गिफ्ट कोड मिलता है। वो कई सारे लोग फॉलो भी नहीं करते हैं नए मेंबर के साथ। फियर ऑफ लॉस पे फोकस करो, अगर एक एक कैलकुलेशन करोगे ना आप फियर ऑफ लॉस में, आपके नीचे जो भी नए लोग आते हैं सभी का फियर ऑफ लॉस करते जाओ, देखो आप लाइफ में कितना सक्सेस होते, गारंटेड सक्सेस होगी। स्टार्टिंग करवाते थे, ज्वाइंट करते थे, फॉलो भी लेते नहीं है, सिखाते नहीं है, तो फियर ऑफ लॉस क्या पता चलेगा। जो भी नया मेंबर जुड़ रहा है उन्हें फियर ऑफ लॉस करवाना है, ये फोकस करके काम करेंगे तो 101% आप भी पैसा बनाएंगे, जो नया बन रहा है वो भी पैसा बनाएगा। लोग बना रहे पैसा, फियर ऑफ लॉस से फोकस करो। फिफ्थ चीज, फिफ्थ पॉइंट है वैल्यू ऑफ टाइम। किसी को टाइम की कदर नहीं है, जूम मीटिंग ना जाएंगे, टाइम आराम से जाएंगे, अपलाइन ने बुलाया उधर हाँ जाएंगे, अपलाइन आने तो पहला बाद में हम जाएंगे। दोस्तों जिंदगी में ना समय बहुत कीमती है, समय आज का समय निकल गया ना दोबारा कभी नहीं आएगा, समय पैसा देता है, इसे नहीं समझ रहे लोग। टाइम का वैल्यू क्या है, टाइम का वैल्यू उससे पूछो जो ट्रेन छूट गया है, टाइम का वैल्यू उससे पूछो जो बोलते ना जिंदगी में कुछ ना करते हुए आखिरी मोमेंट में बैठा है, बोला अभी मैंने कुछ नहीं किया, काश मुझे वो मिल गया होता, वो समय पे मैं कर लिया होता। आज क्राउड वन में राइट टाइम है, राइट वे है, राइट अपॉर्चुनिटी है, मगर टाइम का वैल्यू नहीं करते हो।
ये एक गलती है, पांचवा गलती ये लोग कर रहे हैं। जूम मीटिंग में बुलाओ, 7:30 का जूम बोले तो 8 बजे ज्वाइन करते हैं, 7:45 को ज्वाइन करते हैं, क्या है टाइम वैल्यू? यानी कि आपके पास कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप क्या कर रहे हो, आपको लाइफ में क्या सक्सेस क्या पाना है आपको कुछ पता नहीं है, तो फिर क्या टाइम का वैल्यू करेंगे आप? टाइम वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप कोई भी चीज वक्त के साथ करोगे ना, आपके साथ में सभी कुछ अच्छा होगा। छोटी छोटी चीजें देखो, बच्चे लोग को देखो 7:00 स्कूल बोलते, 7:00 स्कूल में रहना बच्चे लोग बचपन से सिखाया जाता है, टाइम पे उठो, टाइम पे जाना है, टाइम पे काम करना है। मगर यहाँ पे हम बोलेंगे तो सर जूम मीटिंग ना, मुझे क्या टाइम पे जाना है, अपलाइन ना अपलाइन कर लेगा उधर। प्रोस्पेक्ट बोलेगा मैं इतना बजे आता हूँ, टाइम ही सेट नहीं है, कुछ टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, अपलाइन आके 2 घंटे से बैठा है और प्रोस्पेक्ट आ रहा है आराम से 1 घंटे के बाद। अपने टाइम का वैल्यू क्या रखा है वहां पे? कभी तो प्रोस्पेक्ट आके बैठ जाता है, बोलता है खुद जिसने बुलाया वही 1 घंटा लेट आता, आधा घंटा लेट आता है, टाइम का वैल्यू नहीं है वहां पे। ऐसे छोटी छोटी गलतियों की वजह से आज हम लोग इस क्राउड वन के बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पा रहे, इसको सुधारना पड़ेगा। 6 स्टेप, डेली जूम। अभी क्या सर डेली जूम कौन आएगा, रोज तो वही तो बोलते हैं, प्रवीण सर वही बोलते हैं, कुमार यही बोलता है, रहमतुल्ला यही बोलता है, राजेश गुप्ता यही बोलता है, डेली जूम में क्यों आऊं मैं? सर एक मोबाइल है ना, एक मोबाइल का चार्ज ना रोज करना पड़ता है, वैसे इस बिजनेस में आपको डेली जूम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा वॉइस प्रॉपर आ रहा है सबको? मेरा वॉइस नहीं आ रहा है तो हैंड रेस कीजिए। आ रहा है क्या मेरा वॉइस? राजेश सर एक मिनट, राजेश सर प्रवीण सर मेरा वॉइस आ रहा है सर? प्रवीण सर यस सर मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है सर? एकदम क्लियर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके फ्रेंड्स, टाइम ऑफ डेली जूम, डेली जूम पे आपको मैं छोड़ा, डेली जूम क्यों आऊं मैं, आके क्या करूं? फ्रेंड्स हम लोग प्रवीण सर रोज शाम को 5:30 बजे जूम लेते थे, पिछले 1 साल से 1.5 साल से ले रहे हैं, वो थके नहीं जूम लेते हुए। मगर लोग यहाँ पे आते हैं 1 बार 2 बार जूम देखते हैं, बोलते सब मुझे सब पता है। जब नया कस्टमर कोई आता ना, कोई गेस्ट आता है ना, तो प्लान बताने के लिए वो खुलता नहीं है। क्यों नहीं खुलता है? क्योंकि आपको पता ही नहीं ना जूम में क्या बोलते हैं। कुछ लोग डेली जूम पे आते हैं, कनेक्ट करके मोबाइल साइड में रखते हैं, बाद में पूछे तो मुझे सब कुछ देखा मैंने। ये छोटी छोटी गलतियां, डेली जूम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डेली जूम ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेली जूम आप अटेंड करोगे ना 101%, 15 दिन में देखो अपने आप में आप चेंजेस पाओगे। आज पीछे होने का रीजन ये है कि लैक ऑफ नॉलेज, आपके पास नॉलेज नहीं है क्राउड वन के बारे में। अगर आप डेली जूम अटेंड करोगे ना तो आपके पास नॉलेज रहेगा क्राउड वन के बारे में, 101% सक्सेस मिलेगा। डेली जूम अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो भी देखो आज बहाना कर रहा है, सर मेरा ये नहीं आया, मेरा ये काम नहीं जुड़ रहा, मेरे साथ कोई जुड़ रहा नहीं है, मैंने प्लान बताया वो नहीं आया, मुझे ये नहीं पता चल रहा है, रीजन क्या है डेली जूम में नहीं आते? इसकी वजह से आज अनसक्सेसफुल है। 7 स्टेप, फोकस ऑन बिजनेस। आप बिजनेस में तो जुड़ गए, फोकस कहीं और है, जाना है एम्बेसिडर लेकिन आप देख रहे हो कहीं और। कई सारे नेटवर्कर हैं यहाँ पे, मैं किसी को बुरा मत मानिए का कोई भी, मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, अगर आप फोकस नहीं हो ना प्लीज नाम खराब मत कीजिए अपने आप का, एक फेस वैल्यू रखिए अपना, आपका वैल्यू है क्या? नहीं, बहुत सारे लोग को देखता हूं मैं यहाँ पे, एक बिजनेस 10-10 बिजनेस कर रहे हैं,
बड़े बड़े दिग्गज है नेटवर्क मार्केटिंग में, बिल ब्रिट ने कहा था कि खर्चा होने का जरिया बहुत है, इनकम आने का जरिया एक ही है, तो पाइपलाइन लगाओ पैसा कमाने के लिए, बिल ब्रिट ने कहा था। नेटवर्कर, बड़े बड़े नेटवर्क लीडर कहते हैं नेटवर्क पाइपलाइन लगाओ पैसा कमाने का। उन लोग कहते हैं, क्यों कहते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा बनाओ, आपका खुद का बिजनेस खड़ा करो नया नया, उसमें से पैसा आएगा। मगर यहाँ के आज के नेटवर्क मार्केटिंग लोग क्या करते हैं, एक एक नहीं 10-10 नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, बोलते हैं मैं पाइपलाइन लगा रहा हूं, इधर से आएगा 1,000 रुपए, इधर से 1,000 रुपए आएगा, उधर से 1,000 रुपए आएगा। फोकस नहीं है एक जगह, 10-10 बिजनेस लेके घूमते आज में, बोलते सर मैं उधर भी 400 लोग है, इधर भी 400 लोग है, लिस्ट क्या है तो वही 400 लोग उधर है, यही 400 लोग इधर है, बाद में बोलेंगे इधर भी सक्सेस नहीं उधर भी सक्सेस नहीं, लटक जाओगे ऐसी। फोकस नहीं है बिजनेस में, लाइफ में कुछ पाना है ना फ्रेंड्स, तो फोकस करना बहुत जरूरी है। क्राउड वन एक ऐसा बिजनेस है जो आज पूरी दुनिया में इतिहास बना के रखा है, जीरो से लेके पर्सन, जीरो पर्सन से लेके आज हीरो बन चुके हैं कई सारे लोग। अंशुमन शाह 22 साल प्रोडक्ट बेस में चप्पल घिसा है, आज एक 1.5 साल में आज दुबई में शिफ्ट हो चुका है, महीने का करोड़ों का इनकम है। ऐसे कई सारे टेस्टिमोनियल है, जरा देखिए उन्हें, फोकस किया उन्होंने, उन्हें पता चला अपॉर्चुनिटी क्या है, सिस्टम पे फोकस किया, आज इसकी वजह से सक्सेस है। आज एक महीना जुड़ के, एक महीना नहीं हुआ 10 कंपनी में जुड़ गए, तो बोलते सर मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा फ्रेंड्स, फोकस नहीं ना आपका, एक जगह फोकस रहेगा तो काम होगा ना, 10 जगह फोकस करो तो कहां पे आपका दिमाग चलेगा, कहां पे आपका सिस्टम चलेगा, आपके मोबाइल में है 100 का लिस्ट, वो 100 लोग को लेके आप किधर किधर घुमाओगे आप। बाद में बोलते हो कि कंपनी सही नहीं है, कंपनी पेमेंट नहीं दे रहा, पे आउट नहीं दे रहा, मेरा अपलाइन सही नहीं है, मेरा डाउनलाइन सही नहीं है, आपके डाउनलाइन को आप ही बिगाड़ रहे हो 10 कंपनी दिखा के। फोकस करो, क्राउड वन में फोकस करो, 101% लाइफ चेंज होगा। अगर फोकस नहीं हो रहा ना, मेरे से मिलिए आके। आठवां स्टेप, सेट टारगेट। लाइफ में कोई भी चीज पाना है कि टारगेट सेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि टारगेट में आ गया सर मैं टारगेट करता हूं अगले साल मैं 5-10 करोड़ कमाऊंगा, मैं 10 करोड़ का गाड़ी लूंगा, ये टारगेट नहीं होता फ्रेंड्स। टारगेट ना छोटा छोटा कीजिए, एक शॉर्ट टर्म के होता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। टारगेट छोटा छोटा टारगेट चुनिए, इस महीने में आपको कौन सा लेवल अचीव करना है, ये टारगेट पूरा होगा तो मैं मेरे घर पे बच्चों को मोबाइल दिलाऊंगा या लैपटॉप लूंगा या घर पे एक ज्वेलरी दूंगा मेरी वाइफ को। एक टारगेट सेट कीजिए, टारगेट सेट करके काम कीजिए, नहीं करते हैं। क्राउड वन में ऐसे में क्राउड वन में जुड़ गया, सिर्फ क्राउड वन बोलने से नहीं आएगा, काम करना पड़ेगा, टारगेट रखो। क्राउड वन में पैसा बहुत है, फोकस करोगे तो पैसा बहुत निकलेगा, टारगेट रख के काम करो, 101% होगा। टारगेट है मुझे अगले महीने में जाने का डायरेक्टर, अब टारगेट रख दिए बट काम नहीं करोगे तो फोकस ही नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। नोवा स्टेप, चेक प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटर, आप हमेशा जूम में आते हो, आप कितने लोगों को इनवाइट करते हो, आपको पता है आपके टीम मेंबर कितने मेंबर जूम में बैठ रहे हैं, कुछ आइडिया है आपको? वो सब कोई देखता नहीं, बस मैंने डाल दिया मैसेज, आएंगे सब आएंगे। जस्ट नोट करो आज के मीटिंग में आपके टीम से कितने लोग बैठे हैं मीटिंग में, आपके टीम से आज के दिन कितने लोग बैठे हैं, जस्ट नोट करके कीजिए। आज तलासरी का मीटिंग हुआ था लास्ट मंथ, हम लोग गए थे, प्रवीण सर, राजेश सर, हम लोग सब गए थे वहां पे टोटल 42 लोग आए थे, लिस्ट था हमारे पास 42 लोगों में से कम 10 लोग ऐसे हैं जो आज सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, बाकी उनका फोकस नहीं है, ये गलती उनकी है, फोकस ना होने की वजह से सक्सेस नहीं। आप सोचो आपके मीटिंग में, आज के जूम में या मंडे के मीटिंग में, कोई भी जूम हो, आपके कितने बंदे बैठ रहे हैं उधर, वो चेक किया करो हमेशा। दसवां स्टेप, इनवाइट।
बोलते सर मैंने सबको इनवाइट किया, सारे लोग को बुलाया सर मैंने, मगर कोई नहीं आया। पूछता हूँ कैसे बुलाया? बोला सर मैंने सबको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप पे मैसेज करके सभी लोग बैठते हैं तो आज के तारीख में मैं बोलता हूँ बॉस पहला एम्बेसडर मुझे होना चाहिए था। व्हाट्सएप पे मैसेज करने से कोई आके बैठेगा नहीं, आपको उन्हें इनवाइट करना पड़ेगा कॉल करके। डरते हैं फोन करने के लिए, क्या बोलेगा, बोलेगा तू भी यही कर रहा है क्या? सोचो मत, फोन करो बिठाओ, आपको क्या पता उसे क्या चाहिए, क्या पता वो मीटिंग में बैठ के ऐसा काम करेगा आपको आगे लेके जाएगा। इनवाइट तो करो एटलीस्ट, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया खत्म बात। वो क्या सर मैंने इनवाइट कर लिया, 10 को इनवाइट किया कोई नहीं आया, पूछा तो किसी कॉल नहीं किया व्हाट्सएप में। आजकल कौन पढ़ता है व्हाट्सएप मैसेज? मैं व्हाट्सएप पे डालता हूं कि आज तमिल मीटिंग है, लिख के डालता हूं, फिर भी लोग पूछते हैं कि तमिल मीटिंग है कि हिंदी मीटिंग है, जूम मीटिंग है। तो लोग पढ़ते नहीं है, सोचो क्राउड वन के मेंबर बहुत सारे ऐसे भी है, लोग पढ़ते नहीं है, नए गेस्ट को बुलाते ट्रेनिंग में। तो आप सबको मैसेज करते हो कि सभी लोग आ जाएंगे मीटिंग में? नहीं आएंगे फ्रेंड्स, आपको इनवाइट करना पड़ेगा, फोन करके बोलना पड़ेगा उनको, तभी आएंगे वो, तभी आएंगे। इनवाइट करो, अपने आप को झूठी तसल्ली देके मत बैठो, ये गलतियां आप करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा। इनवाइट करना स्टार्ट करो, तभी आपके लोग, आपका टीम ग्रोथ होगा, नहीं तो अपने आप को झूठी तसल्ली देके आप पीछे रह जाओगे, आगे बहुत सारे निकल जाएंगे। ये राइट टाइम है पैसा कमाने का क्राउड वन में। 11वां गलती, प्रेजेंटेशन जूम। अभी कुछ लोगों को हम बोलते कि प्लान बताओ, तो डरते हैं सर मुझे प्लान नहीं आता है, करके कोशिश तो करो। जब तक आप जूम नहीं करोगे ना, जब तक आप प्लान नहीं लोगे ना, तो आपको वो कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, वो अंदर से, वो बोलते ना दिल से, वो ताकत नहीं आएगा आपको बोलने के लिए। आप एक बार बोल के ट्राई करो, जूम में मीटिंग में खुद बोलो, गलती बोलो, क्या होने वाला है, हमें भी पता है, मैं भी गलत बोल रहा हूं, मुझे ही पता है, प्रवीण सर सब लोग सीख रहे हैं, हम लोग अभी भी सीख रहे हैं। जब तक आप गलत नहीं करोगे तो सही कहां से हो गया? आप जूम लेना स्टार्ट करो, प्लान लेना स्टार्ट करो, आगे वाला क्या सोचेगा वो छोड़ दो, आपको क्या चाहिए, आपने, आप किस वजह से इस बिजनेस में आए, पैसा कमाने आया ना, तो जूम लो, प्लान लो। मेरा अपलाइन ही लेगा क्यों, अपलाइन उसके लिए काम कर रहा है, आपके सपने के लिए अपलाइन काम कर रहा है क्या? जूम लेना स्टार्ट करो, प्लान लेना स्टार्ट करो, ऑटोमेटिक सक्सेस मिलेगा, ऑटोमेटिक सक्सेस आएगा। एक दो बार लेके देखो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागेगा, मैं हाँ मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, करके तो देखो। एटलीस्ट पहली बार तकलीफ होगा, दूसरी बार तकलीफ होगा, तीसरी बार आसान हो जाएगा। जूम लेना, प्लान देखना तकलीफ क्यों हो रहा है? क्योंकि आप डेली जूम में नहीं आते हो, क्योंकि आपका फोकस नहीं है बिजनेस में, ये सारा चीज गलतियां कर रहे हैं, इसके लिए आप प्लान नहीं दिखा पा रहे हो। सोचो ना, ये सारा चीज आप अवॉइड कर रहे हो, जूम अवॉइड करते हो, फोकस नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसकी वजह से आप प्लान नहीं दिखा पा रहे हो, तो बाद में बोलते बिजनेस सही नहीं है, जो प्लान बता रहा है वो सक्सेस हो रहा है ना। अपने आप को बोलना सीखो, अपने आप को बोलते ना मोबाइल के सामने प्रेजेंट करो, अपने आप को प्लान बता के देखो कैसे बोल रहे हो आप, उसमें सुधार लाओ, ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे आप, ऑटोमेटिक आप प्लान प्रेजेंटर बन जाओगे। जो दिखता है वही बिकता है फ्रेंड्स, जो दिखता है ना वही बिकता है। आप बोलोगे नहीं मैं अपलाइन काम करेगा, मैं घर बैठ के कमाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा, एक दिन फंस जाओगे, आज कमा रहे हो कल के दिन फंस जाओगे। फिर प्लान प्रेजेंटर बनो आप। 12वां स्टेप, लिसन टेस्टिमोनियल। अभी कहीं सारे लोग आते हैं जूम में, सर मैं आ जाऊंगा जूम, जैसे जूम होके खत्म होने आता है जूम से भाग जाता है, बोलते मैंने सब देख लिया, बाद में बोलते वो कितना कमाया, ये कितना। टेस्टिमोनियल सुनियो फ्रेंड्स, टेस्टिमोनियल, जितना पावर टेस्टिमोनियल में है ना, तभी आपको समझ में आएगा कि बिजनेस का वैल्यू क्या है। टेस्टिमोनियल सुनिए आप, क्राउड वन का जो टेस्टिमोनियल है ना, वो आप सुनेंगे ना तो उसका पावर क्या है आपको पता चलेगा, लोग कहां से कहां पहुंच गए।
कुछ लोग बस कुछ भी नहीं था, आज कई सारे पैसे है। टेस्टिमोनियल सुनना बहुत जरूरी है, नहीं सुनते हैं सर, उसका टेस्टिमोनियल सुन के हमें क्या मिलेगा? जब टेस्टिमोनियल सुनोगे ना तभी आप कंपेयर करोगे उसके साथ, ये भी ऐसे नौबत में था, ये भी ऐसे हाल में था, आज सक्सेस हुआ है, मैं भी सक्सेस हो सकता हूं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागेगा। टेस्टिमोनियल सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। बुजुर्ग लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं बच्चे लोग से, क्यों करते हैं? क्योंकि उनसे कुछ गलतियां हुई है, वो गलतियां बच्चे लोग ना करें, वैसी ही टेस्टिमोनियल है। टेस्टिमोनियल आप सुनोगे ना तो आपको लगेगा हाँ मैं ये गलती कर रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, कैसा सक्सेस हुए, उनका सक्सेस स्टोरी सुनो आप टेस्टिमोनियल। नहीं टाइम ही नहीं है, रोड में खड़के फालतू बातें, फेसबुक में 4 घंटा वेस्ट करना, चैटिंग में टाइम वेस्ट करना, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। टेस्टिमोनियल सुनिए आप, 101% बदलेगा कुछ ना कुछ। 13वां स्टेप है फॉलो अप ट्रेनिंग। प्लान तो हम सबको बताते हैं, फॉलो अप नहीं लेते हैं। प्लान बता दिया सर मैंने छोड़ दिया, सर वो आया नहीं, जुड़ा ही नहीं। प्लान बताया आपने, विश्वास किस पे करेगा? आप पे करेगा, फॉलो अप आपको लेना पड़ेगा, उस पे जाके बताना पड़ेगा कि स्प्राउट वन क्या करता है, कैसा काम होता है, किस तरीके से काम होता है, टेस्टिमोनियल दिखाओ उसको। ये सारा चीज कहां से आएगा? आप डेली जूम अटेंड करोगे तो ही आएगा ना, नॉलेज लेगे तो आएगा ना। ये फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवीण सर हमेशा बोलते हैं कि 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलो अप लेना चाहिए, नहीं तो वो इंसान पूरा बाउंस हो जाएगा। फोर बेसिक के ट्रेनिंग में हमेशा सर बोलते हैं कोई इंप्लीमेंट करो, उसको इंप्लीमेंट करो। किसी को जूम, किसी को प्लान बताते हो तो उसका फॉलोअप लो, और लोगों को आपके टाउन में भी सिखाओ कैसा फॉलोअप करना है। जो लीडर्स है उनको सिखाओ कि प्लान बताने से काम नहीं होता, प्लान बताने के उसको फॉलोअप लेके कैसा अंदर लाना है, कैसा उनको सक्सेस देना है, वो सारा ट्रेनिंग उनको देना पड़ेगा। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स आज तक यहाँ पे जितने भी मेंबर है मेरे साथ अभी जुड़े हैं, लगभग 29-30 मेंबर है, इसमें से कितने लोगों को आता है कि किसी नए मेंबर को रजिस्टर करना? कहीं सारे लोगों को नहीं आता है, कहीं सारे लोगों को। आपको ही रजिस्टर करने नहीं आता है तो दूसरों को कैसे आप सिखाओगे, क्या सिखाओगे क्राउड होना? रजिस्ट्रेशन कर लो, करके देगा ऑफलाइन, डिटेल भेज दो वो करेगा। ये गलतियां, छोटी छोटी गलतियां की वजह से आज आप सक्सेस नहीं हो पा रहे, क्योंकि ना जब आपके प्रोस्पेक्ट आपके साथ में बैठा है वो बोलता है मैं रजिस्टर करूंगा, आप बोलते हो नहीं मेरा अपलाइन रजिस्टर करेगा, डिटेल भेज दे, तो उसके दिमाग में क्या आएगा? किसी को कुछ नहीं आता, ये क्या मुझे सक्सेस करवाएगा लाइफ में? एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करने नहीं आता इसे, ये मुझे क्या सक्सेस करवाएगा? जरा सोचो, आपके साथ में जो जुड़े हैं ना, जो आज के मेंबर आपके टीम मेंबर बने हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते रहेंगे? ये मेरा अपलाइन है जो उसे कुछ भी नॉलेज ही नहीं है, इसके साथ जुड़ के मैंने गलती कर लिया, वो तो वही सोचेगा ना। सीखना पड़ेगा दोस्तों, ये जो स्टेप मैं बता रहा हूं ना, एक एक गलतियां, वो गलतियां सब सीखो, आपका टीम डेवलप होगा। 15वां स्टेप, लेट्स सी, देखेंगे सर, देखेंगे राजेश गुप्ता सर, कमाने दो बाद में हम सोचेंगे। वो आ गया ना, वो जुड़ गया ना, लेट्स सी, देखते क्या होता है, कंपनी देखते, कंपनी है क्या नहीं देखते, लेट्स सी। अपने आप को दूसरी तसल्ली, कंपनी तो काम कर रही है। एक साल पहले भी मुझे कई सारे लोग मिले थे, कंपनी चलता क्या देखेंगे, आज उन लोग जुड़ रहे हैं, एक साल बर्बाद किया। आज आप तो जुड़ भी गए हो लेकिन काम नहीं कर रहे हो, देखते हम आगे जाके कंपनी क्या करता है। आपका ही नुकसान है, हमारा कोई नुकसान नहीं है, कंपनी का 1 रुपया नुकसान नहीं है। आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। ये जो वर्ड है ना, लेट्स सी, देखेंगे, कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। फ्रेंड्स क्या है जानिए, जान के काम कीजिए, ये बहाना मत तालिए, लेट्स सी, देखेंगे यार मैं बहुत बिजी हूं यार, देखेंगे आगे जाके क्या होता है, पहले राजेश गुप्ता या कुमार सक्सेस होने दो, उसके बाद देखेंगे। हम लोग सक्सेस होने के बाद अफसोस ही करोगे आप, दूसरा कुछ नहीं करोगे। अपने आप को जो बोल रहे हो ना, देखेंगे देखेंगे, बाद में आप खुद अफसोस करते बैठोगे कि यार शायद राजेश गुप्ता बराबर बोला,
वही टाइम में स्टार्ट कर लिया होता काश मैं भी कमा लिया होता, शायद कुमार ने बोला सुन लिया होता। प्रवीण सर तो हर हफ्ता बोलते लेकिन हम रोज बोलते हैं मगर सुनते ही नहीं। आज वो कमा लिया 1 करोड़ तक कमा लिए, आप कमाए क्या? जीरो। महेश सर कमा लिए, प्रवीण सर कमा लिए, राजेश सर कमा लिए, हम लोग कमा रहे हैं। जो बहाना कर रहा है वो क्या कमाया? जीरो। जीरो। अपने आप से पूछो, क्योंकि ये सारा मिस्टेक करते आ रहे हो आप, ये सारा मिस्टेक्स करते आ रहे हो। 16 जो सिस्टम है, सिस्टम गाइडलाइंस। फ्रेंड्स सिस्टम गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। फॉलोअप कीजिए, सिस्टम जो बता रहा है ना उसे फॉलोअप करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके जो सीनियर है, सक्सेसफुल जो सीनियर है, एक्टिव सीनियर है, उनसे पूछे कि सिस्टम से काम करते हैं, उनके साथ जुड़िए। जो सक्सेसफुल पीपल है ना उनके पता है सिस्टम क्या है, जिसे सिस्टम ही पता नहीं वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। जो सक्सेसफुल लीडर है ना उनसे जाके मिलिए, सिस्टम सर मुझे सिखाइए कैसा काम करना है, क्या करना है, उनसे सीखिए। सिस्टम फॉलो भी नहीं करते हैं। समझो कि अपलाइन प्लान दिखा रहा है, ये मोबाइल में बात कर रहे हैं, अपलाइन यहां प्लान बता रहे हैं, वो वहां घूम रहे हैं। सिस्टम क्या है? सिस्टम को फॉलो करो, छोटी छोटी चीज देखो, छोटी छोटी चीज। सिस्टम क्या बोलता है? जुड़ते पेयर प्लस करना है, फोकस करो, लिस्ट निकालो, वैल्यू ऑफ टाइम दो, डेली जूम में आओ, फोकस करो बिजनेस, सेट टारगेट सेट करो, प्लान प्रेजेंटर बनो, लिसन टेस्टिमोनियल, ये फॉलो अप रजिस्ट्रेशन, ये सारा सिस्टम तो है, सिस्टम गाइडलाइंस है। ये सब सारा चीज आप सीख लोगे तो ऑटोमेटिक आपको सक्सेस ढूंढ के आपके पास आएगा। तो सीखना चाहते ही नहीं हो ना, अपने आप को झूठी तसल्ली देके बैठे हो, मुझे सब कुछ आता है सर, मैं क्या करूं, मेरे साथ कोई नहीं जुड़ रहा है। आज जो भी यहां पे बैठा है ये लिख के लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सारा चीज पॉइंट नोट करना, कहीं ना कहीं आप कर रहे हो गलत, कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। ये 16 स्टेप हो गया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अपन, क्या और क्या गलती कर रहे हैं हम लोग। मिस्टेक्स में दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते कई सारे लोग। अभी देखेंगे आप, कई सारे नेटवर्कर है यहाँ पे, प्लान बताते बोलते सर मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट काम नहीं आता दोस्तों। मैं तो बोलता हूँ एग्जैक्टली, जो नेटवर्कर है ना प्लीज कोई बुरा मत मानिए, नेटवर्कर रियली नेटवर्कर ओवर कॉन्फिडेंट ही अंदर आता है ना वो काम नहीं करता है, काम नहीं करता है। कुछ लोग कर रहे हैं, नहीं करके नहीं, सबको नहीं बोल रहा, कुछ लोग है जो ओवर कॉन्फिडेंट रखते हैं वो काम नहीं करते, भाग जाते हैं कुछ ही दिनों में, भाग के जगह खाली कर देते हैं। मैं सर इतना कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, खलास सब खत्म। मैंने देखा है एक साल में कई सारे लीडर्स को देखा, कई सारे नेटवर्क को देखा है, आएंगे ऐसा ऐसा बोलेंगे लेकिन आज गायब है। क्यों? नॉलेज नहीं है, नॉलेज विदाउट नॉलेज जीरो। सेकंड स्टेप ग्लो कॉन्फिडेंस, बोलते ना आया कॉन्फिडेंटली बहुत, 10 को प्लान बताया सर अभी कुछ नहीं हो रहा, सर कोई नहीं जुड़ रहा मेरे साथ, कोई नहीं जुड़ रहा है। वो बोलता है कि मेरे को सर मेरे से होगा ही नहीं, अभी मैंने जितना था सबको बताया कोई जुड़ रहा ही नहीं है, मेरे साथ आ ही नहीं रहा है। ग्लो कॉन्फिडेंस एकदम चले गया नीचे, कॉन्फिडेंट नहीं है उसके पास। रीजन क्या है? लैक ऑफ नॉलेज। उसने जिस जिसको प्लान बताया, जिस जिसको बताया वो 100% नहीं बताया, 1% भी नहीं बताया, इसकी वजह से लोग नहीं जुड़े उसके साथ। जो ग्लो कॉन्फिडेंट है ना उसे ना रेगुलर जूम मीटिंग अटेंड करने बिठाओ, रेगुलर डेली जूम मीटिंग में बिठाओ उसको आप, 15-20 दिन के बाद उससे फिर से मिलो, वो कितना कॉन्फिडेंट रहता है। बोलते ना कॉन्फिडेंट खोने का रीजन यही है कि जूम में नहीं आते, नॉलेज नहीं लेते। 4 को प्लान बताया, बता नहीं पा रहा हूं सर, वो बड़ा है बहुत मेरे पास, आपके पास नॉलेज नहीं है, ये कबूल करो ना आप, प्रीचेस मत करो ये बड़ा आदमी है ये छोटा आदमी है मैं कैसा बताऊं। आपके पास नॉलेज होगा ना तो बड़े से बड़े दिग्गज भी सामने बैठेंगे ना आप बता सकते हो, नॉलेज नहीं है इसके लिए आप ग्लो कॉन्फिडेंट रहते हो। थर्ड स्टेप ओवर मोटिवेशन,
मैं गए राजस्थान प्रवीण सर ऐसा प्लान बताया, मैं खुश जाऊंगा, मैं सभी को प्लान बताऊंगा, जाके ऐसा प्लान बताया कि नहीं दोस्त, ओवर मोटिवेशन काम नहीं आता है यहाँ पे। जो ओवर मोटिवेट रहता है ना, हर कोई बंदा उसके जैसा मोटिवेट नहीं रहेगा। ये गलत फहमी मत जाओ, ओवर मोटिवेशन जाके आप जाके सोचते हो कि मैं इतना बोलूंगा कि आगे वाला जुड़ जाएगा, नहीं, शायद हो सकता है वो कुछ और सोच में हो, आप इतना बोल रहे हो उसने पागल हो गया है। बोलते ना एक आई कॉन्टेक्ट, एक बोलते ना सेटअप होना चाहिए, जैसा आदमी है उसके जैसा कॉन्फिडेंटली बात करो, ओवर मोटिवेशनल मत जाओ। आज मैंने प्लान देख लिया, आज मैंने महेश सर से मिला, मैं मोटिवेट हूँ, बहुत मोटिवेशन, मैं आज 10 को प्लान बता के रहूंगा, 4 ने ना बोला तो घर पे बैठ गया, मोटिवेशनल खत्म। ये मोटिवेशन ऑटोमेटिक अंदर से निकलना चाहिए। ये मोटिवेशन कभी आएगा, जब आपका वाई क्लियर रहेगा। फ्रेंड्स, आपको पैसा क्यों कमाना है ना, वो आपको क्लियर है तो ये मोटिवेशन ऑटोमेटिकली अंदर आएगा। आपको कहीं जाके किसी के मोटिवेशन लेने की स्पीच लेने की जरूरत नहीं है, बस आपका वाई क्लियर होना चाहिए, मुझे पैसा क्यों कमाना है, मुझे क्यों क्राउड उनमें कमाना है, वो रीजन क्लियर करो, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं। आप खुद काम करोगे, खुद गाइडलाइंस यूज करोगे, सारा सिस्टम गाइडलाइन यूज करोगे, बजट ढूंढो सिर्फ क्यों करना है। डीमोटिवेशंस मत करो। अभी कहीं सारे लोग हैं, मुझे सब कुछ आता है सर, लेकिन डाउनलाइन के साथ एक डीमोटिवेशन बात कर रहे हैं। अभी एग्जांपल समझो कि आपके डाउनलाइन कुछ काम कर रहा है, उसको जाके डायल बोलते तू क्या काम कर रहा है यार, सब क्या घटिया काम करते बेटा, ऐसे सब। डीमोटिवेशन किसी को मत करो। अगर आपका डाउनलाइन कुछ कोशिश कर रहा है तो उसको मोटिवेशन दो, उसको सिखाओ कैसा करना है। हम लोग डीमोटिवेट करते उधर, गलतियां हमारी है, डीमोटिवेट करते हम। मोटिवेशनल करने से आपका टीम डेवलप होगा, तो डीमोटिवेशन क्यों करने का। कोई नया बंदा आ रहा है, उसको डीमोटिवेट मत करो, उसको मोटिवेशन करो, क्या कर रहा है उसको तारीफ करो, कॉम्प्लीमेंट्री। एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज ऐसा है ना, किसी को भी आप तारीफ करेंगे ना, वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। कोई भी देखो, आप जिसको भी तारीफ करो वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। जिस दिन आपने उसको नकार दिया, उल्टा सीधा बोला, वो आपके साथ छोड़ना बंद कर दिया, बात करना ही बंद कर दिया। फ्रेंड, हमारा बिजनेस क्या है, रिलेशनशिप बिजनेस। रिलेशनशिप रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सबको मोटिव करना पड़ेगा। ओवर मोटिवेशन नहीं, नॉर्मल डीमोटिवेशन किसी को करो मत। और एक बात, फिफ्थ स्टेप, ओवर एक्सपेक्टेशन। ओवरली एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आज मैं ये कर दूंगा, मेरा इस महीने में 25 आईडिया आएगा, 60 आईडिया आएगा, एक्सपेक्टेशन, मेरा डाउनलाइन आया ये कर देगा, ये आएगा तो बहुत बड़ा लेवल पे काम करेगा। ओवर एक्सपेक्टेशन लगता है, सर ये बंदा पॉलिटिक्स में है, ये बंदा आ गया ना, हजारों की लाइन खड़ा कर देगा। एक्सपेक्टेशन, जाके प्लान बताया, उसने ना बोला, डीमोटिवेशन, घर पे बैठ गए। ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हो आप, गलतियां वो भी करते हो, प्लान दिखाने से पहले सोच लेते हो यार वो आएगा ना, 10 को लेके आ जाएगा, इतना इतना पैसा डालेगा, ये 10 को लाएगा, इतना टीम खड़ा हो जाएगा। जैसे वो ना बोला, आपका पूरा मोटिवेशन खत्म, एक्सपेक्टेशन खत्म, सब डीमोटिवेट हो जाते हो यहाँ पे। एक्सपेक्टेशन मत रखो, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखो, आपके प्लान में कॉन्फिडेंट रखो, आपके बिजनेस के ऊपर कॉन्फिडेंट रखो, तो सक्सेस ऑटोमेटिक मिलेगा। और किसी का ईगो हट मत करो। ईगो मतलब क्या है ना, मैं सब कुछ जान गया, मैं प्लान दिखाता हूँ, तो आगे वाले पूरा नीचा मत दिखाओ। किसी का ईगो हट मत करो, कि रिलेशनशिप बिजनेस है, ईगो पे मत जाओ किसी के। भले वो कुछ कर रहा है, कुछ सीख रहा है, कुछ सिखाओ, उसकी ईगो पे हट करेगा ना, तो वो आपसे रिलेशन नहीं रखेगा। ये बिजनेस रिलेशनशिप बिजनेस है, छोटी छोटी बातों में ध्यान रखो, कैसा बात करना है, 4 जन के सामने आपके डाउनलाइन के साथ कैसा बात करना है, आपके अपलाइन के साथ कैसा बात करना है, किसी का ईगो हट नहीं होना चाहिए, ये सारा चीज ध्यान रखना पड़ेगा। 7th स्टेप, अंडर एस्टिमेट। किसी को ये अंडर एस्टिमेट मत करो कि ये क्या करेगा, प्रीजज करते हम लोग, ये क्या कर लेगा। अब ये सोचोगे तो आपकी गलती है, आपका बिजनेस नुकसान होगा। कोई भी हो, आपको पता नहीं है कि उसके दिल में क्या आ गया, उसे क्या चाहिए लाइफ में, वो क्या पाना चाहता है,
बस आपका काम है कि सिस्टम का गाइडलाइन यूज करो, उसे प्लान बताओ। अगर समझ में आ गया तो खुद आ जाएगा आपके साथ, अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट टाइम फिर से आएगा 6 महीने के बाद। किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो, ये करेगा नहीं, ये कर लेगा, ये सब मत सोचो। 8वां स्टेप है ओवर टॉक। बोलते ना ज्यादा बोलते हैं, जो देखो ना कहीं बोलने बैठ गए ना प्रोस्पेक्ट परेशान हो जाता है, इतना बोलते हो। जो भी नेटवर्किंग मार्केटिंग करता है, जो भी सेलर है, बोलते ना हम लोग क्या डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, लिसनर बनो पहला, लिसनर। जब तक आप सुनोगे नहीं ना तो उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका आपको कहाँ पे उसको आप बताना है, वो सारा चीज आप नहीं सुन पाओगे। सिर्फ आप ही बोलते रहोगे तो आगे वाला कब बोलेगा प्रोस्पेक्ट, उसका क्या क्या ड्रीम्स है, उसका क्यों करना है बिजनेस, क्या बताएंगे आप उसको, बोलने का मौका दो। जाते शुरू हो जाते हो, सिर्फ बताते रहोगे आगे वाले से पूछो क्या है उसका, वो बताएगा पहला। ज्यादा बात कम करो, जितना बातें करना है उतना ही करो। एक सवाल का 10 सवाल का जवाब मत, जो पूछ रहा है उसका जवाब वो टॉक्स करते हैं। कई सारे लोग देखा हूं लगे रहते हैं, बस वो आगे वाला परेशान बोलता है यार ये तो इतना बात करता है, उसका नेक्स्ट टाइम आप फोन करोगे ना उठाएगा भी नहीं, क्योंकि आप इतना बात करके परेशान कर रहे हो। जो जरूरत बातें है वही बातें किया करो, ये मिस्टेक को रोका करो। 9th स्टेप है नेवर से लाइ, बोलते झूठ मत बोलो। बिजनेस में जो भी है सच बताओ, आप जो कमाए हो या कैसा काम करता है सिस्टम गाइडलाइंस, ये सारा झूठ मत बोलो। समझो कि आपने झूठ बोल दिया किसी को, आपने झूठ बोल के बिजनेस में लाया, उसको कुछ तकलीफ हो गया आपकी वजह से, नेक्स्ट टाइम आप कहीं पे भी स्टेज में खड़के भी बोलोगे ना तो वो आपको देखेगा भी नहीं, वो आपके स्पीच में बैठेगा भी नहीं, आपको ही गाली देगा, नेक्स्ट टाइम आपके साथ जुड़ेगा भी नहीं। ये गलतियां करते हैं, झूठ बोलते हैं। कोई भी बिजनेस में झूठ बोलेगा ना वो बिजनेस टिकेगा नहीं। जो भी है सच बताओ, करना तो करेगा, सीखेगा। राजेश सर प्लीज, राजेश सर आपका पेन चालू है। झूठ मत बोला, झूठ बोलने से आपका ही बिजनेस खराब होगा, नेक्स्ट टाइम आपके साथ जुड़ेगा नहीं, झूठ बंद करो। 10वां स्टेप है योर टीम योर ड्रीम योर सक्सेस। जब तक इस बिजनेस को आप अपने हाथ में नहीं लेते हो, अपना बिजनेस नहीं समझते हो तो सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका टीम है, आपके टीम को नॉलेज देने के लिए ये सारा स्टेप आपको सीखना पड़ेगा। आपका ही सपना है, आपको सपना पूरा करना पड़ेगा, सक्सेस भी आपका है। अगर इस बिजनेस में आपको सक्सेस पाना है तो ये सारा स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, ये मिस्टेक करना बंद करना पड़ेगा। सीरियस जो है सुनते नहीं है, बस बोले ना वो मीटिंग में बैठे बोले बैठ गया, सुन गए मोबाइल कहीं और पड़ा, ये कुछ और काम कर रहा है, क्या नॉलेज रहेगा? बिना नॉलेज के लोग सक्सेस नहीं हो पाते। अभी अपने आप को आप सोचिए, जो शुरुआत में मैंने बताया था 3 टाइप के इंसान है, उसमें से आप कौन से कैटेगरी बनने वाले हो, कौन से क्वालिटी के पीपल बनने वाले हो आप? रीजन क्या है अपने आप से पूछो। आज सक्सेस नहीं हो पा रहे, आज जूम में बैठे हो, पिछले 1 साल से जूम में बैठे हो, सक्सेस नहीं हो पा रहे, क्यों? तो पता ही नहीं ना क्या कर रहा हूं, नॉलेज नहीं है। सिर्फ नॉलेज है फ्रेंड्स, इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक देन दे बिकम अ रिग्रेट। आज आप सीखोगे नहीं, आप जो गलतियां कर रहे हो ना आज आप सीखोगे नहीं ना, सच्ची में बोल रहा हूं। आने वाले समय में अपने आप को कोसते रह जाओगे कि पहले काश प्रवीण सर बोले, कुमार बोला, राजेश सर बोले, बाद में सोचते अफसोस करोगे। आज सीख लो, ये जो मिस्टेक है ना सभी लोग कर रहे हैं, मुझे पता है ना, सुन में क्यों नहीं आ रहे, अवॉइड करते हैं, टारगेट नहीं है, फेयर ऑफ लॉस नहीं, कुछ भी नहीं है, बस क्राउड उनमें जुड़ गया, काम पैसा आना चाहिए। अपलाइन डाउनलाइन, सर मेरे एक तरफ बंदा काम कर रहा है, एक तरफ मैं एक ही तरफ काम करूंगा, एक तरफ काम नहीं करूंगा, गलतियां उधर भी करते हैं अपलाइन।
मैं एक ही तरफ मेरा पावर लेग है सर, उधर मैं ध्यान नहीं दूंगा, मैं इधर ही ध्यान दूंगा, बाद में वो सो जाएगा तो बाद में इधर ध्यान देते रह जाओगे। आए हो इस टीम में तो इसमें आपको दोनों तरफ ध्यान देना है, सभी टीम को साथ में लेके चलना है। और सपोर्ट, सपोर्ट की बात छोड़ो, सपोर्ट तो यहाँ पे 24/7 है। मैं हूँ, राजेश सर है, प्रवीण सर, महेश सर है, 24/7 सपोर्ट है। सपोर्ट को यूज कीजिए, आप लोग यूज नहीं करते हो। मैं बोलता ना, ये सारी गलतियां करने की वजह से आज जूम में 30 लोग है, कम से कम 28-30 लोग ही बैठे हैं। सिर्फ हमारे क्राउड वन मेंबर ही बैठेगा ना, सिर्फ 1000 लोग ऐसे बैठ सकते हैं। अभी आज जो जूम में नहीं बैठा ना, उन्हें सब कुछ पता है, इसके लिए आज वो सक्सेस नहीं है। क्राउड वन में कहीं और बैठ के दूसरे कंपनियों में, वहां पे भी सक्सेस नहीं है, वहां पे भी लोगों को पैसा डुबाते बैठे हैं, कई सारे लीडर ऐसा कर रहे हैं। जस्ट थिंक कीजिए जरा, फ्रेंड्स अपने साथ अभी राजेश सर जुड़े हैं। राजेश सर, राजेश सर, राजेश सर, हाँ सर, सर आपका कुछ बताइए सर, कुछ एक्सपीरियंस क्या करना है और क्या गलतियां करना है बताइए। अभी बहुत ही बढ़िया आपने लिया जूम, ये जो ट्रेनिंग आपने लिया सर, ये ट्रेनिंग शायद मेरे को लगता है कि लोग 1000 रुपए फीस देके जुड़ते होंगे तभी ये नॉलेज सीखते होंगे। डेफिनेटली, मैं भी करीबन 3-3.5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो मैं भी इतना नॉलेज और इतना एक्सपीरियंस मैंने जब मैं पैसा दिया था तभी मैंने सीखा था। तो आज अपने को ये मौका मिला कि बिल्कुल फ्री सीखने का, तो सभी लोगों को मौका दिया जा रहा है अभी आज, जो भी ये 29-28 लोग है, तो सभी लोगों को मौका दिया जा रहा है कि बात करने का मौका दिया जा रहा है, जो भी चाहे कुछ भी यहाँ पे क्यूरी आती है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन आता है तो बात कर सकता है। क्योंकि मैं ये जो कुमार सर का जो पूरा आज 1 घंटे का जो सेशन चला, ये सेशन एक आधे घंटे का एक्सपीरियंस नहीं है, कुमार सर का भी काफी साल का एक्सपीरियंस है और कुमार सर भी आईटी इंडिया से बिलोंग करते हैं और हमारे आज बिजनेस पार्टनर है। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जिसको भी कोई भी क्वेश्चन है वो बोल सकता है, और कुमार सर ने काफी इसके ऊपर मेहनत किया था इसके ऊपर बात करने के लिए। यानी कल रात तक हमारी 4 बजे तक बातें चल रही थी, रात को 4 बजे तक बातें चल रही थी, और इसके ऊपर उन्होंने इतना एक्सपीरियंस सीखने के बाद आज ये पीपीटी तैयार किया हुआ है। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जो भी कोई बात कर सकता है बिंदास बात करेगा, इसके आगे और भी 15 मिनट का सेशन बाकी है अभी। यस सर, ना लास्ट सेशन बाकी है 15 मिनट का, तो कुछ भी क्वेश्चन है तो कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं, किसी को भी पूछना है सवाल तो ये जूम मीटिंग के टाइम में मत पूछे। अभी ये ट्रेनिंग में जिस कुछ भी डाउट है, कुछ भी है तो पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारे साथ भी महेश सर जुड़े हैं सर, आज प्रवीण सर जुड़े हैं शायद हमारे साथ। प्रवीण सर किधर गए? ओके प्रवीण सर, प्रवीण सर, यस सर, यस सर, प्लीज सर, हमारे टॉप लीडर प्रवीण सर भी जुड़े हैं हमारे साथ। वाओ, कुमार सर, यस सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया है ना, यस सर, डोंट एंड जो चीज करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। हर एक मैं जो भी आज ये जूम पे कनेक्ट है, अगर हर एक ने वो ये चीज अप्लाई किया ना, तो मैं बोला ना कम से कम की बात कर रहा हूं, डायरेक्टर हर एक का कंफर्म है डायरेक्टरशिप। बस जो भी कुमार सर ने बोला है उसको फॉलो कीजिए और कंटिन्यूअसली देखो, अपने बिजनेस का सक्सेस का राज है जूम मीटिंग, जैसे कुमार सर ने बोला।
आज ये पेंडेमिक सिचुएशन में, कोरोना के सिचुएशन में हमने जो भी बिजनेस ग्रो किया है वो सिर्फ जूम और जूम के ऊपर किया है, और हर पर्सन ये चीज कर सकता है, बस उसको फॉलो कीजिए। और हर पर्सन, जैसे कि आज महेश सर डायरेक्टर स्टार टू है, तो जल्दी है डायरेक्टर मरा ना 3 कंप्लीट करेंगे, मैं आज डायरेक्टर स्टार 1 हूँ, जल्दी डायरेक्टर स्टार 2 कंप्लीट करूंगा। जैसे कि कुमार सर है मैनेजर है, जैसे कि राजेश सर है डायरेक्टर 2 है, सॉरी मैनेजर स्टार 2 है, तो हर एक पर्सन ने बस ये जूम को फॉलो किया है। आज जितने भी ये जूम को कनेक्ट है, हर एक पर्सन ने बस उसको ही फॉलो किया, तो हर पर्सन जो भी हमने कमाया, जो भी ये बिजनेस में हमने सक्सेस लिया, वो हर पर्सन पा सकता है, बस उसको फॉलो कीजिए। ओके, तो थैंक यू कुमार सर इतना बढ़िया और बेहतरीन नॉलेज देने के लिए, थैंक यू। प्रदीप बाबू सेलार जी, सर प्रदीप सर आपको अनम्यूट किया हूं। यस प्रदीप सर, सुन रहे हो सर? यस यस सर, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, आवाज आ रहा है मेरा? सर बोलिए बोलिए, आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है, बोलिए सर क्या? सर आप नेटवर्क में आ जाइए। हाँ सर मेरे आवाज आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, हाँ बोलिए सर, आ रहा है, आ रहा है ना। देखो सर क्राउडन बहुत अच्छा है, अभी फिलहाल तो हमारा अच्छे से चल रहा है। अभी हम लोग जो है अभी थोड़ा सा तलाश्री और अपना वो डाउन एरिया से है, तो यहाँ हमारा टीम तो है, ग्रोथ हो गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि जूम ज्यादातर देखते नहीं है और अपना अभी हम लोग जो है जूम में आते हैं, लेकिन हम भी समझने की सीखने की कोशिश तो है और उम्मीद भी चल रही है हमारी। सर जी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन यहाँ ऐसा माहौल है कि ये क्राउड वन जो है ये अभी तक इन लोगों को जिनको हम दिखा दे वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और मतलब प्लान दिखा दे वो भी बोलते हैं कि समझ में आया, फिर थोड़ी वो समझने के बाद बोलते हैं सर समझ में आया, फिर भी रिजल्ट मतलब देर से आता है, मतलब बहुत सारी कोशिश करते हैं फिर कुछ देर के बाद वो ना ना ऐसे करते हैं। तो अभी हम मतलब ग्रोथ तो किया है, अभी जैसे कि जूम में आते हैं, लेकिन अभी जो नया जो है आया है कुछ अभी नया, जैसे कि कुछ कुछ नया आया है अभी, जैसे कि ब्रांड्स के बारे में और मल्टी वॉलेट और ये सब जो है ना, इसका अभी प्रयोग करना और किस तरह से करना, ये अभी जो नया भी प्रोफाइल आया है ना सर, राइट राइट, तो वो नए प्रोफाइल की हमको अभी थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा अभी जैसे कि ऊपर से आएगा तो हम नीचे अपने को नीचे देंगे ऊपर से लेंगे ऐसा कुछ होगा, तो हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन वो जो प्रोफाइल का है अभी थोड़ा सा ठीक तरह से नहीं समझ में आया है सर, तो हम लोग सीखने की उम्मीद कर रहे हैं सर। जी जी सर, जरूर जरूर सर, क्राउड वन को आप जितना सीखेंगे ना उतना कम है, क्राउड वन में तो भरपूर है। और आप जो सीख नहीं पा रहे हैं सर, सीख रहे हैं किसी को प्लान बता रहे हैं तो वो समझ नहीं पा रहा है सर, यहाँ पे पढ़े लिखे अच्छे खासे पढ़े लिखे को हम समझा रहे हैं, उनको एक बार दो बार में समझ में आता है। अगर आपको यहाँ पे नेटवर्क नहीं है फिर भी गाँव में बैठ के सोचने की उम्मीद रखो, गाँव में रह के जंगल में रह के जहाँ पे नेटवर्क नहीं है इंटरनेट नहीं है, हाँ सर, वहां से क्राउड वन बिजनेस आ रहा है, वहां से वेस्टर्न एरिया से क्राउड वन। सर हमारे जो है अपलाइन विश्वनाथ गायकवाड़ सर और राजेश गुप्ता सर आते हैं, लेकिन अभी क्या वो जो है जितना चाहिए उतना, मैं अभी कोऑर्डिनेटर हूँ लेकिन इतना जितना चाहिए मेरा खुद का डेवलप नहीं हो रहा है सर, तो मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा डेवलप है, मैं पूरा भरोसे के साथ काम कर रहा हूँ, तो कुछ कमी रह गई वो थोड़ा सा मैं अभी सीनियर से सीख रहा हूँ सर, हमारे ग्रेट अप्लायर जैसे कि विश्वनाथ गायकवाड़ सर है, राजेश गुप्ता सर है, और आप तो मेरे को मेरे ख्याल से आप मेरे को कहा सिलवासा में मिले थे। हाँ सर, और सर अभी मेरी जो बात है मेरा इतना शख्सियत
के लीडर सुन रहे हैं सर पूरे महाराष्ट्र के, लेकिन मुझे क्या थोड़ा सा महसूस ऐसा हो रहा है कि अपना ज्यादा डेवलप होना चाहिए लेकिन वो नहीं हो रहा है, उसमें सर, क्या मेरे में कमी है सर, क्या है डेवलप होने के लिए ना सर, पहले आप अपने आप को क्राउड वन में झोंक दीजिए, राजेश सर से मिलिए, जितना सीख सकते हो क्राउड वन के बारे में उतना आप सीख के लेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपका टीम वहां पे डेवलप होगा। क्राउड वन में दूसरा कुछ नहीं है सर डेवलप होने के लिए, सिर्फ नॉलेज और सिस्टम को फॉलो कीजिए। जो मैंने गलतियां बताई वो गलतियां करना बंद कीजिए, जूम लेना स्टार्ट कीजिए, वन टू वन प्लान लेना स्टार्ट कीजिए। जब तक आप प्लान ले लोगे ना तो तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। प्लान क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। राजेश सर इतना बढ़िया लीडर है, इनसे नॉलेज लीजिए और अपना टीम डेवलप कीजिए सर। और सर थोड़ा सा प्लान तो करेंगे, प्लान प्रेजेंटेशन भी करेंगे, वन टू वन भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर बीओपी का थोड़ा सा हम अगर अपने से और अपने ऊपर के लोगों को बुलाने से अगर बीओपी होता है तो सर थोड़ा सा मतलब ये अपना थोड़ा सा ग्रोथ में स्पीड आएगा सर। मतलब समझा सर, बीओपी नहीं मतलब बीओपी मतलब वो अपना हाउस मीटिंग जैसा संडे को 15 दिन के बाद सभी लोगों को मतलब वन टू वन करने से सभी लोग अगर होते हैं साथ में भी आते हैं फेस टू फेस मतलब ऐसा तो अच्छी तरह से मतलब जिनको समझ में नहीं आया वो जूम में ज्यादातर अपना क्वेश्चन नहीं बताते सर, और जूम में क्या डायरेक्टली ऐसा अपने बराबर से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं सर आएंगे सर हम तो हर एक मतलब अगर वो प्रदीप सर जब ये टेक्नोलॉजी आया था ना किसे पता नहीं था कैसा इस्तेमाल करना है, लोगों ने सीखा उसे, सीखने के बाद प्रैक्टिकली जब किया तभी उन्हें पता चला कि ये कैसा काम करता है। वैसे अभी आपको लग रहा है कि लोगों को वहां पता नहीं है, हम सिखाएंगे जूम क्या होता है, आपको वन टू वन सिखाना पड़ेगा। उसका वीडियो आया है यूट्यूब में, वो यूट्यूब में वीडियो देखिए जूम कैसा यूज किया जाता है, उसके लिए क्या लगेगा, कैसा साइन अप करना, सारा चीज यूट्यूब के अंदर अवेलेबल है, उससे आप कोशिश करो ऑटोमेटिक सीखेंगे। सर मानते हैं आप सर कुमार सर आप जो है आपने प्रेजेंटेशन किया अच्छे से किया, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, जैसे कि आप कर रहे हैं वैसे राजेश गुप्ता सर भी कर रहे हैं, हमारे विश्वनाथ गायकवाड़ सर भी कर रहे हैं, प्रवीण खताते सर कर रहे हैं, महेश सर कर रहे हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस मतलब अपना कुछ न होने के कारण हमारा डेवलप नहीं हो रहा है सर, तो थोड़ा सा वो प्रोसेस में लाने के लिए कुछ तो सर करना पड़ेगा सर। सर कॉन्फिडेंट कहाँ कम होता है सर, जब आपका वाई क्लियर नहीं हो। हाँ सर पता ही नहीं है मैंने क्राउड वन में क्यों जुड़ा हूँ, क्राउड वन में जुड़ने का रीजन क्यों सर, आपका रीजन क्या है, क्राउड वन में आए क्यों आप? रीजन तो बहुत बड़ा है सर। तो फिर वो अगर सर आपके तकलीफ के आगे आपके ईगो के आगे आपका रीजन बड़ा दिख रहा है तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर आपको लगता है मुझे वो सक्सेस पाना है तो आपको बोलते ना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट अंदर से आएगा। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होता ना तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा सर। वाई क्लियर कर लीजिए, उसके बाद में कितने भी नेगेटिव पर्सन मिले, कितने भी लोग आपको कुछ भी बोले, आपके सपने के लिए आप भागोगे, क्योंकि आपका सपना आप वही सर हो गया है, जैसे कि आपका वाई क्लियर हो गया है, गुप्ता सर का, महेश सर का, प्रवीण खताते सर का, जैसे कि हमारे गायकवाड़ सर का, लेकिन हम लोग जो बोलते हैं जैसे अपने ग्रुप में एक दो लोग होंगे जूम देखने के लिए, लेकिन उन लोगों को भी हम लोग बोलते हैं तो हमारा खुद का है या नहीं हम खुद जानते हैं हमारा। हेलो सिलार सर। हाँ सर सिलार सर। हाँ सर। हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? ज्यादा हो गया सर। जो बोलने का जो मकसद है मतलब मकसद है ये आपका सही है मकसद, जैसे कुमार सर ने आज काफी मेहनत किया हुआ था इसके ऊपर, इन्होंने 24 आवर से इसके ऊपर काम किया हुआ है, ये अचानक से उनके माइंड में नहीं आया कि उन्होंने बोल दिया, इसके पीछे 24 घंटे से उनकी तैयारी थी और उनका एक्सपीरियंस भी है करीबन काफी सालों का। तो जो आप बोलना चाहते हो उसका खाली एक ही स्पीड है कि एक जो आपका वाई क्लियर नहीं हुआ है बस वही प्रॉब्लम है सर। वाई अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आप उसके बारे में नहीं सोचोगे। देखो कभी भी एक ही मकसद होता है, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ एक ही सोचना है
कि मैं इस बिजनेस में मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आपका वो माइंड क्लियर हो जाएगा जिस दिन, उस दिन आप ये बातें नहीं करोगे सर। और मैं एक ही बोलता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बैठे हुए हैं, हमें सभी को मौका देना है बोलने का। ओके सर, ओके सर, तो आप बुरा मत लेना, ठीक है? तो कंटिन्यू करते हम लोग आगे हैं और आगे भी हमारा सेशन बाकी है। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले सभी लोगों ने जहां पे जो भी पोजीशन में बैठे हुए हैं, सभी लोग कुमार सर के लिए एक बार क्लैप कर दो। चाहिए तो सभी लोग का वॉइस म्यूट कर देता है। नहीं नहीं सर, है ना, फिर ज्यादा हो जाएगा। तो हेलो कुमार सर, तो बहुत ही आपने अच्छा लिया। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, इसके जो आगे का जो सेशन है, 15 मिनट का सेशन आ गया ना सर? जाएगा सर, 15 मिनट जैसा अपन लेंगे वैसा। तो मैं एक ही बोलना चाहूंगा, जिसका जो भी क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग वापस 10 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। तो जो भी सर ने आपको एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर ने, उसके आगे हमारे परवीन खत्री सर ने हमारे पास तो बेसिक ट्रेनिंग बार बार लेते हैं। आज जो बेसिक ट्रेनिंग के पहले हम लोगों ने थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है और उसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया और बनाने की कोशिश किया हम लोगों ने, कि आज कुछ तो हम लोग 1-2% सक्सेस पाएंगे हम लोग। क्योंकि मालूम है ये जो काम है ना हमारा सर, हमें अपने पास हमें मैं कुमार सर के साथ कम से कम 6 घंटा बैठा था और 6 घंटे में मैंने खाली एक ही चीज बातें किया सर कि टीम को डेवलप कैसे करें। मैंने एक भी बातें नहीं किया कि सर मैं अगले साल क्या बनूंगा, मैंने सिर्फ एक ही बातें किया कि टीम को डेवलप कैसे करें, क्योंकि हमें भी दुनिया में नंबर 1 बनना है सर। क्यों बनना है मालूम है? क्राउड वन का एक आइडिया है, उस आइडिया को पकड़ के हमारे टीम कैसे पैसा बना सकती है, उसके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले थे और वही बात आज कुमार सर ने समझाया है। और आप लोग सिर्फ इसको इस्तेमाल कीजिए, ये आइडिया को इस्तेमाल कीजिए, देखो कैसे कैश नहीं होता है। तो ओके सर कुमार सर, तो हम लोग आगे हम लोग किसी और का क्वेश्चन आंसरिंग जो भी है लिख के रखिए, हम लोग वापस 10 मिनट का मौका देंगे, 10 मिनट ही मौका देंगे, ज्यादा नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि बहुत लंबा थोड़ा हो चुका है प्रोग्राम। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि जिसको कि हम लोग कहाँ कहाँ गलतियां कर चुके हैं, अब गलतियां नहीं करेंगे, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू कैसे लिस्टिंग करेंगे, कैसे अपने ड्रीम को अचीव करेंगे। ओके सर, ओके ओके सर, तो क्या कर 4 बेसिक लेना है सर? हाँ 4 बेसिक लीजिए और उसके बाद हम लोग पोजिशन असरिंग करेंगे। ओके ओके सर। राजेश सर आपको को होस्ट करता हूँ, मैं आपको को होस्ट किया हूँ। फ्रेंड्स राजेश सर ने फिर से एक 4 बेसिक लेने बोला है। 4 बेसिक क्या हुआ है? अभी हमने अभी तक देखा कि गलतियां के वजह से हम सक्सेस नहीं हो पा रहे। ये जो 4 बेसिक है ना, ये फिलर है, 4 फिलर बोलते हैं इसको। अगर ये सिस्टम को जो फॉलो करता है तो 100% सक्सेस होता है। उसके बारे में देखेंगे अभी। जो प्रवीण सर ऑलरेडी कहीं बार ले चुके हैं 4 बेसिक कहीं बार, और लोग उसे फॉलो करते हैं कि पता नहीं, लेकिन आज हम देखेंगे फिर से 4 बेसिक देखेंगे। 4 बेसिक क्या होता है उसको समझ के लेते हैं एक बार। टाइम नहीं लूंगा, जल्दी खत्म करूंगा, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। ओके, वेलकम टू द 4 बेसिक सेशन, क्राउड 1 नेटवर्किंग मार्केटिंग। ठीक है, 4 बेसिक सक्सेस का मंत्र क्या है दोस्तों? सक्सेस का मंत्र क्या है? सक्सेस का मंत्र बिफोर अटेम्पिंग सक्सेस मस्ट बी फेल्ट। मतलब क्या कह रहा है यहां पे, क्या लिखा है? आपको सक्सेस होने से पहले सक्सेस कैसा होता है उसको आपको महसूस करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे मीटिंग में, आज के लाइव इवेंट में भी हमारे एंथोनी सर ने कहा था, आपको माइंडसेट एम्बेसिडर माइंडसेट रखना पड़ेगा, तभी आप एम्बेसिडर बन सकोगे। वैसे लाइफ में आपको सक्सेस होना है ना, सक्सेसफुल महसूस करो पहले आप, मैं सक्सेस हूं, मैं लाइफ में सक्सेस हो रहा हूं, वो महसूस करना सीखो।
जब तक आप ये खुद को महसूस नहीं करोगे सक्सेस के लिए, तो आपको कैसे सक्सेस के लिए कैसा रास्ता मिलेगा? वाई क्लियर होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए सक्सेस के लिए। यहाँ पे क्या है दोस्तों, वाई क्या होता है, हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट लोग है यहाँ पे। किसी का सपना बड़ा घर होता है, किसी का सपना छोटा सा बच्चे लोग एजुकेशन दे, अच्छे सा एजुकेशन दे जब तक मैं हूं। किसी किसी को अचीवमेंट करना है, फाइनेंशियली फ्रीडम होना है, फाइनेंशियली फ्रीडम। बहुत सारे लोग अलग अलग सपना, सबका अलग अलग होता है। फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, किसी को लगता है कि मुझे कार लेना है, कुछ लोगों को लगता है कि मुझे रिटायरमेंट चाहिए, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तभी मैं आराम की जिंदगी जीऊं ऐसा बैठ के। हर किसी का अलग अलग सपना होता है, मगर वो सपना पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सारा सपना सच होगा, हर किसी का सपना सच होगा, जो गलतियां करे तो गलतियां को हटा दो। अभी ये क्या करना है, हमें लाइफ में क्या करना है, अभी ये 4 बेसिक में सीखेंगे। जो भी हम सपना सोचते हैं ना, अभी एक सपना, एक नॉर्मल एक लेडी है, वो मां बनने वाली है। जब मां बनने के लिए ना उसको सोचना पड़ता है कि मैं मां बन रही हूं, तो वो 9 महीना वो सपने में रहती है कि मैं मां बनने वाली हूँ। बच्चों का फोस्टर देखते हैं, जब भी बच्चों को देखते हैं मुस्कुराती है, बच्चों को देख के उठाती है, प्यार करती है। क्यों? उसका सपना है उसका भी एक बच्चा हो। वो विजुअलाइज करती है कि मेरा सपना आएगा ऐसा, मेरा बच्चा होगा ऐसा। तभी जाके 9 महीने के बाद वो बच्चे को देख के वो इतना दर्द सह के, इतना मुश्किल घड़ियां 9 महीना बिता के आज वो बच्चे को जन्म देती है, तो वो बहुत खुश हो जाती है। सारे दर्द को बुला के इतना चेहरे पे हंसी आता है, मुस्कुराहट आता है। क्यों? उस सपने के लिए वो दर्द उठाया उन्होंने, उन्हें पता है क्या तकलीफ है 9 महीना। वैसे आपके बच्चे के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके पर्सनल लाइफ के लिए आप कितना सेक्रीफाइस कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या विजुअलाइज है आपके पास, क्या कर सकते हो आप, कभी आपने सोचा है? आज सभी लोग यहाँ पे बैठे, हर कोई, हर किसी का कोई ना कोई माँ है। वो माँ कितना दर्द देके आपको जन्म दिया, जिंदगी में लाया, वो दर्द को महसूस कीजिए। उनको कुछ दिया आपने, उनका सपना पूरा करना है, आपके बच्चे है, एजुकेशन सपना है, हर एक चीज विजुअलाइज में होता है दोस्तों। यहाँ पे प्रवीण सर भी लेके आए, तो विजुअलाइज विजन बोर्ड एंड डेली रीड, रीड डेली, रोज हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा। वो 9 महीना जैसे एक माँ बच्चे के बारे में सोचती है तभी बच्चे के लिए वो खुश रहती है, वैसे एक बिल्डिंग भी खड़ा होता है तो बिल्डिंग का पहला एक विजुअलाइज बनता है कि बिल्डिंग मैं ऐसा बनाऊंगा, एक घर ऐसा बनाऊंगा। वो विजुअलाइजेशन करने के बाद वो फिर मैप बनाते हैं कैसा करना है, इसे कहाँ बिठाएगा, ये कहाँ बैठेगा। वो सारा बैठने के बाद उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन में उतरते हैं लाइफ में, तभी वो बिल्डिंग खड़ा होता है। वैसे दोस्तों आपका सपना भी पाना है ना, तो आपको पहला विजुअलाइज करना है, वो आपको लिख के रखना है, फोटो लेके रखना है। जब जब आप देखो ना तो आपके सपने आना चाहिए आपको, हाँ मैंने इसके लिए क्राउड वन जुड़ा है, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे रिटायरमेंट चाहिए, मुझे बच्चों का एजुकेशन चाहिए, मुझे घर लेना है, गाड़ी लेना है। ये फोटो आप चिपकाइए। मैं जब तो 1999 आज से लगभग 20-21 साल पहले जब मैं कम उम्र का था, तो मैं एक बिजनेस में जुड़ा था, एक इंटरनेशनल बिजनेस था, वो बिजनेस में जुड़ा था। वहां पे कई सारे टॉप लीडर, बड़े बड़े लीडर्स, वो कहते थे कि सर एक विजन बोर्ड बनाओ, चिपकाओ, आपका लाइफ सक्सेस होगा। मुझे हंसी आता था, मुझे लगता कि ये सब क्या है यार, बच्चों जैसा बोल रहे, विजन बोर्ड लगाओ, चिपकाओ, सब हो जाएगा क्या, ऐसा हरकत 101% सही बात है। जो अपने घर पे विजन बोर्ड लगाता है, जो अपने घर पे ड्रीम लगाता है, वो ऑटोमेटिक पाता है। तलासरी में सर ने अपना कुछ तो वीडियो प्ले किया था, द सीक्रेट, उसमें भी देखो विजन बोर्ड है। ऐसा विजन हमें करना पड़ेगा ये ड्रीम के लिए। अगर आपका वाई क्लियर है तो ये ड्रीम के लिए आप काम करोगे। 4 बेसिक नेटवर्क मार्केटिंग, दोस्तों पहला लिस्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैंने पहले भी लास्ट सेशन में बताया था, लिस्ट जब जिसके पास है उसका बिजनेस 100% सक्सेसफुल है। अगर आपने आप लिस्ट अपने पेपर में नहीं लिखोगे, आप नाम नंबर मोबाइल नंबर सब नहीं लिखोगे, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा।
उसके बाद इनविटेशन देना जरूरी है। ऐसा माना मत कीजिए मैंने इनवाइट कर दिया सर, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया, आ जाएंगे लोग, नहीं आएंगे। फोन करके बोलिए सर आज का जूम है, एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिसमें आपका लाइफ चेंज हो सकता है, आपको बेनिफिट मिलेगा, बुलाइए, इनवाइट कीजिए, इनविटेशन दीजिए, फिर शो द प्लान, प्लान दिखाइए। प्लान कब दिखाओगे? डेली जूम आओगे तो नॉलेज रहेगा तो आप प्लान दिखा पाओगे। फोर बेसिक में जितना पॉइंट वहां पे नोट किया था ये सारे पॉइंट यहाँ पे आएंगे। शो द प्लान कीजिए, फॉलोअप लेना है नए तो प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाए तो इसे छोड़ नहीं देना है। 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर उसे फॉलोअप लेना है, उसे ज्वाइनिंग कराना है। 48 और के बाद सब बाउंस, सब कुछ बाउंस हो जाता है। लिस्ट, क्विक लिस्ट होना चाहिए ऑन डायरी में। लिस्ट बनाते वक्त प्री जज मत करो किसी को भी, मतलब ना ये साला ये 10,000 कमाता है इसको नहीं प्लान बताने का, ये दिन का 100 रुपया कमाता है उसको प्लान नहीं बताने का, ये 1,00,000 रुपया कमा रहा है वो दिन का 1,00,000 रुपया कमा रहा है, दिन का 2,00,000 कमा रहा है या महीने का कमा रहा है, ऐसा प्री जज मत करो किसी को भी। लिस्ट बनाते वक्त ये मत सोचो कि ये आएगा कि नहीं आएगा, इसका नाम लिखूं क्या नहीं लिखूं, सभी का नाम लिखिए, जो जो आपकी नजर में है, जो जो आपके ख्याल में, जो जो आपके मोबाइल में है, सभी का नाम लिखिए। प्री जज मत कीजिए, मैं उसे नहीं बताऊंगा, उसे नहीं बोलूंगा, ये मेरे से छोटा है, ये मेरे से बड़ा है, ये दिमाग से निकाल दीजिए दोस्तों। आप किसी को कुछ देने जा रहे हो, किसी से छीनने नहीं जा रहे हो, उससे दे रहे हो कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, उसका लाइफ सेट होने वाला है। समझ में आ गया तो आएगा, नहीं है तो नो बोलेगा, बस नो बोले तो नेक्स्ट करेंगे हम दूसरा। लिस्ट बनाओ, एरिया वाइज लिस्ट बनाओ, आपके ये एरिया में चीता गेम में इतना है, थाने में इतने लोग है, भिवंडी में इतने लोग है, एरिया वाइज लिस्ट बनाओ। आपकी लिस्ट को अपडेट करते रोज, चाहे नए नए लोग मिलते, फ्रेंड्स नए नए लोग मिलते हैं, कितने स्ट्रेंजर मिलते हैं, लोग दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, बाहर तो निकल के देखो लोग हजारों मिलते हैं। अपडेट करो लिस्ट रोज, इंक्रीज लिस्ट, आपका लिस्ट इंक्रीज होते रहना चाहिए, जितना जितना आप प्लान दिखाते जा रहे हो जितना आपका लिस्ट कम हो रहा है उतना लिस्ट में जुड़ना चाहिए। आपको लाइफ में आपका वाई क्लियर है तो लिस्ट भी जुड़ेगा आपका। लिस्ट बनाते हुए क्लासिफिकेशन करो अलग अलग, ए बी सी अलग अलग लिस्ट बनाओ, क्लासिफिकेशन वो क्या काम कर रहा है, वो कैसा कौन से लेवल पर है, क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, किसमें काम कर रहा है, अलग अलग लिस्ट बनाओ, ए बी सी का लिस्ट बनाओ। फ्रेंड्स फॉर्मूला देखते हैं अभी, लिस्ट बनाने का फ्रेंड्स फॉर्मूला। फ्रेंड्स के लिए पहला एफ आएगा, फ्रेंड्स का लिस्ट बनाओ। आर में रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार जितने भी है वो सारे रिलेटिव्स का नाम लिखिए। किसी को प्रिजत मत कीजिए सर ये मेरा चाचा है मामा है, नहीं करेगा। आपके चाचा मामा को क्या चाहिए आपको थोड़ी पता है, आपके चाचा को शायद 1,00,000 रुपए कमाने का भूख लगा है, आपके मामा को शायद लाइफ में फ्रीडम पाने के लिए भूख लगा है। आप बताओ ना सही, बताओ तो सही, क्या बोलेगा, हाँ या ना बोलेगा, बात सिंपल। रिलेटिव की लिस्ट बनाओ, फ्रेंड्स सभी फ्रेंड्स का लिस्ट बनाओ, किसी को प्रिजत मत करो। इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का लिस्ट बनाओ, जो जो आपका रिलेशन इंस्टीट्यूशन का लिस्ट बनाओ। आप एम्प्लॉयज, जितने साथ आपके साथ में जितने लोग काम कर रहे हो पूरा लोगों का लिस्ट बनाओ, किसी को प्रिजेक्ट मत करो, सभी का लिस्ट बनाओ। गेंद से आता है नेबर्स, बाजू आजू बाजू जितने भी है, आजू बाजू क्या सोचेगा आपको जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, आपको लाइफ में क्या चाहिए वो फोकस करो, नेबर्स क्या सोचेगा वो मत सोचो। डीलर्स, आपके साथ जितने भी डीलर्स है उनका लिस्ट बनाओ, ये फ्रेंड्स फॉर्मूला बोलते हैं। स्ट्रेंजर, एफ आर आई ई एन डी एस, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के अंदर ये सारे लिस्ट छुपा हुआ है। फ्रेंड्स एक नाम के ऊपर, एक नेटवर्क इंडस्ट्री में फ्रेंड्स के ऊपर इतने सारे लिस्ट निकालेंगे ना, हर एक बंदे के पास कम से कम 500 का या 250 का लिस्ट रहेगा। ले ये सारे लिस्ट निकालेंगे, बोलते हैं कि मेरे पास लिस्ट ही नहीं है, लिस्ट नहीं है बोलते हैं। ये फॉर्मूला यूज करो, ऑटोमेटिक लिस्ट निकलेगा, आपके फैमिली में से 100-150-200 निकल जाएंगे, फ्रेंड तो ऐसे 50-60 निकल जाएंगे, एम्प्लॉयज में दोस्त निकल जाएंगे, नेबर्स में निकल जाएंगे, डीलर्स में है, स्ट्रेंजर्स में है, इंस्टीट्यूशन में है, कम से कम 500 का लिस्ट निकल जाएगा। पहले ये फॉर्मूला तो यूज करो।
डोंट प्रीजज व्हाइल मेकिंग अ लिस्ट. मैंने पहले भी बोला था कि ये सोचो मत किसका नाम लिखूं किसका नहीं, सभी का नाम लिखे, प्रीजज मत कीजिए. सेकंड, इनविटेशंस, कीप इट शॉर्ट, मेक इट सिंपल, स्टार्ट नाउ. इनविटेशन किसी को भी देते हैं आप, सिंपल वैसे इनविटेशन करो, एक से दो मिनट ही देना है. इतना लंबा ज्यादा ओवरटॉक्स बोला ना, मैंने ओवरटॉक्स लिखा था, ज्यादा बोलने का, सब कुछ बोल देने का, क्या इनविटेशन, कुछ नहीं है. सिंपल शॉर्ट टर्म बोलो, प्रोजेक्ट है, मिलते हैं कितना बजे, इतना बजे जूम है, बैठ जाओ. वो बोलेगा क्या, जूम में आ जा, सब पता चल जाएगा क्या है. नहीं आएगा, मेरे को विश्वास रख, आ जा. बुलाइए, सिंपल इन्विटेशन दीजिए, ओवर टॉक्स मत कीजिए. चैलेंज वी ऑल फेस द कॉमन चैलेंज हम लोग फेस करते हैं, फियर ऑफ लूजिंग मनी. तो आज कहीं सारे मार्केट में देखेंगे ना, ये चैलेंज आता है कि सर मेरा पैसा डालूंगा तो डूब जाएगा क्या. फियर ऑफ लूजिंग मनी क्यों है दोस्तों, क्योंकि ना आपके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है. नॉलेज होता तो ये नहीं होगा, लॉस नहीं होता है, 100% पैसा हो जाता. फियर ऑफ ऑब्जेक्शन, लोग क्या बोलेगा, प्लान बताए वो क्या बोलेगा, ऑब्जेक्शन से डरता है. क्यों ऑब्जेक्शन से डरने के लिए दोस्तों, नॉलेज नहीं है इसके लिए ऑब्जेक्शन से डरते हैं. ओवर एक्सपेक्टेशन, जो उधर बताया था ये भी इधर ही है. फियर ऑफ रिजेक्शन, वो क्या बोलेगा आगे वाला, प्लान बताने के बाद यस सर नो, बस सिंपल ना, हाँ या ना बोलेगा, बात खत्म कीजिए ना. हाँ बोलेगा तो वेलकम, नो बोले तो फिर दो महीने के बाद फिर मिलते हैं उनसे, आप सक्सेस तो हो जाओ. क्यों डरते लोगों से, रिजेक्शन से डरो मत. जितना रिजेक्शन आप सुनोगे ना उतना सक्सेस हो जाओगे, बट विथ नॉलेज. रिजेक्शन जब लो आपके पास नॉलेज होना चाहिए. अगर आप नॉलेज रख के उसको प्लान सही ढंग से बता के वो रिजेक्शन करता है, तो दो महीने के बाद जब आपसे मिलेगा वो पछताएगा. फियर ऑफ लूजिंग रेस्पेक्ट, लोगों को लगता है मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे को गलत सोचेगा. आपको सपने के लिए कोई और सोचेगा क्या, आपको सोचना है. सपना आपका, बिजनेस आपका, कोई और क्यों सोचेगा बोल के, क्यों डर रहे हैं, रिस्पेक्ट क्यों क्या, आपको क्या करना है, आपको क्या पाना है, फोकस होना चाहिए, फोकस ऑन योर गोल. गोल पे फोकस है तो कोई रिस्पेक्ट करे या ना करे, फ्रेंड्स हंसने वाले हंसेंगे. आप जाके गाड़ी भी धोगे ना, आपको मैं समझो कि आपको मैं लाख रुपए देता हूं ये गाड़ी धोने का, आप गाड़ी धोगे ना तभी भी लोग आप पे हंसेंगे, लेकिन उनको पता नहीं कि ये गाड़ी धोने से मुझे लाख रुपए मिलने वाला है. वैसे आपका सपना क्या है आपको पता होना चाहिए. कोई आपको रेस्पेक्ट करे या ना करे, आपके बिजनेस पे आप फोकस रखो. ये सब चैलेंज मार्केट में आते ही ऑलरेडी सबको आते हैं. और एक फियर ऑफ लूजिंग द प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट जाएगा कहां जाएगा दोस्त, डर क्यों लगता है आपको, वो आएगा तो चले जाएगा क्या मेरे को छोड़ के, मैं प्लान बताऊंगा तो वो चले जाएगा क्या, नहीं मैं फॉलो अप नहीं ले सकता, मैं उसको नॉलेज नहीं दे सकता. वो डर मत रखो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट लाओ. वो कॉन्फिडेंट लाएंगे तो ऑटोमेटिक वो आपके साथ जुड़ेगा. कोई भी प्रोस्पेक्ट बिजनेस में आता पहला कंपनी को देख के नहीं, आपके कॉन्फिडेंट को देख के इस बिजनेस में आता है. आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाओ. जिस दिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो कोई भी बंदा बोलते ना रिजेक्शन के लिए नहीं आएगा, सारे लोग आपके साथ आएंगे. पहला आपका सक्सेस होना चाहिए, सक्सेस होने के लिए पहला आपको सीखना पड़ेगा. आप सीखोगे तो ऑटोमेटिक सक्सेस मिलेगा, सक्सेस मिलेगा तो रिजेक्शन नहीं आएंगे, रिजेक्शन नहीं आएंगे तो प्रोस्पेक्ट जाने का डर ही नहीं रहेगा. इन्विटेशन कैसा करना है, फॉर्मेट क्या है, ये बढ़िया हुई है लॉकडाउन में. Without disturbing your job and business, are you interesting to earn additional income? ऐसे भी लोगों को invite किया जा सकता है. इस lockdown में ऐसा एक business है, आपके job को disturb किए बिना आप extra income कमा सकते हो यहां से. एक format है, एक बहुत बढ़िया business है, proposal है. आप अपने मोबाइल से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें ज्यादा नॉलेज नहीं है,
जिन्होंने मुझे बताया है वो एक्सपर्ट है इसमें, अगर आप उनसे सुनते हैं आप, आपको बहुत फायदा होगा। वो एक्सपर्ट आज शाम को आ रहे हैं, उसे इनवाइट करो आप। आज अपलाइन को इनवाइट किए तो ये इनवाइट करने का तरीका है, इतना अच्छा बढ़िया बना के लिखे रखे। आप किसी को फोन कर दे तो बोलिए ना, सिंपल क्या है, क्या करेगा, सिंपल बोल सकते हैं आप, बढ़िया प्रपोजल है। मैं अभी जस्ट स्टार्ट किया हूं, मेरे साथ में जो बंदा आ रहा है उनको बहुत नॉलेज है, इनसे तो सुन लेगा तो 101% तू भी पैसा बनाएगा इसमें, एक बार सुन के लिए। आज शाम को आ रहे हो, आके मिलना, 7 बजे आ रहे हैं, 7 बजे का तेरा टाइम लेता हूँ, आ जाओ, बुलाओ तो सही, इन्वाइट करो, इन्वाइट करने का फॉर्मेट है सब। फॉर्मेट 3, आर यू इंटरेस्टेड टू अर्न एडिशनल इनकम? We need 30 minutes of your time. When should you meet? Today or tomorrow? Morning 10 or 12? अभी कुछ लोग क्या करते हैं ना, कस्टमर को फोन करते हैं तो डायरेक्ट कस्टमर के कुछ छोड़ देते हैं, बोलते सर आपका टाइम बताओ ना, कभी मिलेंगे आपको, वो टाइम कभी नहीं बताएगा। आगे प्रोस्पेक्ट को ऑप्शन आप दो, ऑप्शन आपको देना है, सर आपका 30 मिनट चाहिए, आज मिलेंगे या कल मिलेंगे, सुबह के 10 बजे या शाम को 12 बजे, शाम को 6 बजे, वैसा ऑप्शन आपको देना है। कुछ लोग क्या करते हैं, फोन करते हैं डायरेक्ट, बोलते हैं सर आपका टाइम कब मिलेगा, मुझे आपसे मिलना है, बात करना है, प्लान बताना है। वो पूछेगा क्या प्लान है, सब फोन में सब ओवरटॉक्स करके खत्म कर डाल, वही प्रोस्पेक्ट खत्म हो गया। एक वे है, वे आपको पता नहीं तो आपके अपलाइन से बैठो, ट्रेनिंग में आ जाओ, सीखो आप, नॉलेज है, जूम मीटिंग में नॉलेज मिलेगा, उससे आपको ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। डोंट यूज दिस वर्ड एंड इनविटेशंस, मीटिंग, प्रेजेंटेशंस, मेंबर, स्कीम, चेन, एजेंट, जूनियर, सीनियर, एमएलएम, अपलाइन, डाउनलाइन, अपलाइन, डाउनलाइन, ये सारे वर्ड यूज मत करो। मैंने कल जब एक नॉर्मली एक चाय की दुकान में बैठा था, वहां पे एक बंदे को ऐसी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे थे मेरे डाउनलाइन, मेरे साथ में जो फ्रेंड्स प्रोस्पेक्टिंग कर रहे थे, वो बंदा बोला सर चैन सिस्टम है क्या, वो एकदम ही चीपली बात कर रहा था, वो चैन सिस्टम है क्या, ऐसे कुछ लोगों को ना ये सारे वर्ड्स ना चीप लगता है, एकदम चीप, एकदम लगता है कि ये सब गिरा हुआ काम है। वही बंदा शाम को बैठ के प्लान बताया उसको मैंने, जिसने उस चैन सिस्टम को एकदम चीप समझा ना, आज उसको सोच में डाल दिया कि कैसा पैसा बनता है, आज लोग कितने लोग अमीर कैसे बने हैं, वो चैन सिस्टम की वजह से अमीर बने हैं, आज वो बंदे को मैंने कंफ्यूज कर डाला। दोस्तों नए प्रोस्पेक्ट को ना पता नहीं है ये सारे वर्ड है ना, उनको लगता है कि एकदम चीप, बट ये सब प्रोफेशनली देखा जाएगा ना ये वर्ड सब स्ट्रांग है, लेकिन हमें यूज करने के तरीके पे हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोस्पेक्ट को पता नहीं ये वर्ड सब उनको गंदा लगता है, स्कीम है, चेन सिस्टम है, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ये वर्ड यूज मत कीजिए। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये वर्ड नेगेटिव लगता है। शो द प्लान, शो द प्लान में क्या क्या आता है, एक वन टू वन प्लान, जैसे कि आज हम लोग अकेले वन टू वन कहीं होटल में बिठाए या रूम में मिले या कहीं पे भी वन टू वन प्लान कर सकते हैं। शो द प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो शो द प्लान करता है वो सक्सेसफुल 100% होता है। उसके बाद होता है जूम मीटिंग, जूम मीटिंग बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, वन टू वन जूम मीटिंग में देश के कहीं भी कोने से हो बंदा, कोई से भी कोने से हो, सिर्फ इंटरनेट की जरूरत है, जूम में कनेक्ट कर सकता है, उसका बिजनेस डेवलप कर सकता है कहीं से बैठे हुए, ये होता है जूम का फायदा। टेक्नोलॉजी पर, टेक्नोलॉजी में ये जूम मीटिंग, लॉकडाउन में सारे बिजनेस बंद, बट ये जूम की वजह से कहीं सारे इंडस्ट्री चले हैं, कहीं सारे इंडस्ट्री। ग्रुप ओपन मीटिंग होता है, जैसे कि टीम मीटिंग रखे, ग्रुप ओपन मीटिंग भी होता है, ये तीन टाइप का मीटिंग कर सकते हैं, और प्लस एक होम मीटिंग भी रख सकते हैं आप, होम मीटिंग में 4-5 जन आएंगे, होम मीटिंग भी आप सेटअप कर सकते हैं। अभी क्या करना है क्या नहीं करना है अभी देखेंगे हम। एडिफिकेशंस क्या करना है, एडिफिकेशंस अभी क्या करते हैं, कुछ लोग उनका प्रोस्पेक्ट आ जाता है ना तो अपलाइन को बोलते हैं सर ये बंदा ऐसा है ना, बहुत कमाल का बंदा है,
एक्सपर्ट है बिजनेस लोगों में बात करने में, पॉलिटिशियंस में कॉन्टेक्ट है इसका, ये आके बड़े लेवल तक टच रखता है, बहुत अच्छा काम करेगा। जब प्लान देखने के बाद ना बोलता ना समझ में आ जाता है। एडिफिकेशन करना है ना तो अपने आप को करो, अपने अपलाइन को करो जो आपके लिए सपोर्ट करने आया है वहां पे। प्रोस्पेक्ट आने से पहले अपलाइन को फोन करके बुलाते, सर आप आ जाओ, बंदा आ जाएगा नहीं तो। प्रोस्पेक्ट आने से पहले अपलाइन को फोन करके आप आके पहला बैठ जाओ, वो आएगा ना आएगा, बातें प्लान बता देने चले जाएगा। वो डर सब क्यों रखे? आपको बिजनेस पे कॉन्फिडेंट, खुद पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आपकी अपलाइन पे कॉन्फिडेंट रखो। ये क्राउड वन में जो अपलाइन आपका है ना, आपका दोस्त आपका भाई है, आपको धोखा नहीं देगा, आपको सपोर्ट करेगा, उल्टा भले कितने भी बजे हो आपको सपोर्ट करेगा। वेरिफिकेशन अपने आपका करना सीखो, अपने अपलाइन का करना सीखो। प्रोस्पेक्ट को क्या पता है, उसे क्या पता है बिजनेस के बारे में? अगर बिजनेस में पता होता तो आपसे पहले वो जुड़ गया होता था। इंस्ट्रक्शन जब करना है, जब प्लान बताते हैं तो वो टाइम पे ना आपका मोबाइल स्विच ऑफ रहो। कई सारे लोग को देखता हूँ मोबाइल फोन आते हैं ना, उठा के बात करते हैं, व्हाट्सएप चेक करते रहते हैं, अपलाइन प्लान बता रहा है, व्हाट्सएप चेकिंग, व्हाट्सएप क्या आया, किसका कॉल आया, घर से फोन आया, माँ का फोन आया, भाई का, दोस्त का, फोन चेक करते रहते हैं। जब अपलाइन प्लान बता रहे हैं तो पेन और पेपर लेकर बैठो, आप अपलाइन क्या बता रहा है लिखो ना, समझ के लो, तभी तो आप प्लान बता सकते हो। और बीच बीच में क्वेश्चन मत पूछो। प्रोस्पेक्ट आपका है, अपलाइन आपके लिए प्लान बता रहा है और आप ही सवाल कर रहे हो, तो किस जज पे आप से जुड़ेगा वो? क्या जज करेगा आपको? रखिए सिंपल बोलो, प्लान होने के बाद है ना जबरदस्त, वो क्या बोलेगा? ना बोलेगा क्या? नहीं, जबरदस्त नहीं है बोलेगा क्या? पॉजिटिव वर्ड यूज करो ना, है ना जबरदस्त बोलते हुए, हाँ वो भी हाँ बोलेगा, हाँ हाँ बढ़िया है बोलेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट को एडिफिकेशन करते हैं, इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करते हैं, सब मोबाइल यूज करते हैं, पैर ट्रैकिंग नहीं करते हैं, बस पूछते रहते सवाल। जब नया प्रोस्पेक्ट आएगा ना, आपके ऊपर भरोसा रख के आएगा, आपको देखेगा पहला, आप क्या कर रहे हो। तो आप पे विश्वास पे आएगा, आप फॉलोअप कीजिए, सब ये सारा चीज फॉलोअप कीजिए। फॉलोअप जैसे कि प्रवीण सर बताते हैं, मैं भी बताता हूँ, 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर कोई भी इंसान को प्लान बताते हैं उसे फॉलोअप लीजिए, क्लोजिंग कीजिए, क्योंकि 48 आवर्स के बाद उसको प्लान दोबारा बताना पड़ेगा आपको, उसको याद नहीं रहेगा। क्योंकि क्राउड वन का प्लान ऐसा प्लान है, यूनिक प्लान है, आपको 24 घंटे से 48 आवर्स के अंदर फॉलोअप लेके उसे क्लोजिंग करना है। क्योंकि ना आज देखो ना, परसों क्या कपड़ा पहना, किसी लोगों को पूछो आप परसों के दिन क्या कपड़ा पहना था, याद ही नहीं है। परसों के दिन खाना क्या खाया याद है? याद नहीं रहेगा। प्रवीण सर हमेशा ऐसे बोलते हैं, बराबर, दो दिन पहले क्या खाना खाया आपको याद है क्या? नहीं रहेगा। तो बंदा नया नया प्लान सुना है, उसको 48 आवर्स के अंदर नहीं पूछेंगे ना तो उसको सारा चीज बाउंस, कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलोअप के लिए। जो भी लीडर्स है, जो भी नए नए जुड़े हैं, अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान बता रहे हैं, तो 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर फॉलोअप लीजिए, उसको क्लोजिंग करवाइए। अगर आपको फॉलोअप नहीं आता है तो अपने अपलाइन को साथ में लीजिए, कैसा करना है पूछ के लीजिए और खुद भी सीखे और करवा के लीजिए। फॉलोअप के टाइम में क्वेश्चन क्या आता है, हम लोग क्या करते हैं, कई सारे अलग अलग सवाल पूछते, नेगेटिव सवाल पूछते हैं। अभी यहाँ पे सवाल क्या करना है, है ना जबरदस्त, सबसे अच्छा क्या लगा? हम लोग यहाँ पे क्या सवाल करते हैं, कुछ लोग नेवर आस्क कैसा लगा, कैसा लगा मत पूछो, कैसा लगा पूछे वो बोले हाँ ठीक ठाक है यार, देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, है ना जबरदस्त, सबसे अच्छा क्या लगा, उससे वो सोचने लग जाएगा, उसका माइंड में हजार सवाल है, क्या अच्छा लगा पूछ दिया यार, क्या बताऊं मैं। स्नेहा चहलकर, सर लीव करना है, कर रही हूं। ओके मैडम, कुछ काम है इमरजेंसी तो लीव कीजिए मैडम, ठीक है। नेवर पूछे मत उनसे ना, पॉजिटिव सवाल कीजिए। अभी मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, समझे कि आप लोग सब लोग बैठे, आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूँ मैं, सिंपल पूछता हूँ, आप लोगों ने दारू पीना छोड़ दिया क्या, कैसा लगा सवाल ये?
दारू पीना छोड़ दिया क्या? आप क्या बोलोगे? हाँ पीना छोड़ दिया तो यानी कि पीते थे पहला। सोचो जरा, जैसा सवाल आप करोगे ना वैसे आपको आंसर आगे से आएगा। तो आपको जो भी सवाल करोगे आफ्टर प्लान के बाद, तो वो प्लान में आपको पॉजिटिव सवाल पूछना है ना, जबरदस्त, सबसे अच्छा क्या लगा, तो आपको सोच के सवाल देगा। ऐसा लगा मत पूछिए। तो सर आप कैसे नाम, किसके नाम से बिजनेस करना चाहते हैं, ये सवाल जरूर पूछेगा। क्योंकि ना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से ना अपने हिंदू धर्म, अपने इंडियन स्ट्रेटेजी के जरिए क्या बोलते हैं, किसके नाम से बिजनेस स्टार्ट करना, अपने माँ बाप के नाम से, आपके बच्चे के नाम से, आपकी बीवी के नाम से, पूछ लीजिए ना, कुछ गम नहीं। जब ये पूछोगे ना सवाल, उसके माइंड में ना आएगा दिमाग, हाँ मेरे बच्चे के नाम से करूँ, किसके नाम से, मेरे घर पे लकी कौन है, मैं किसको अच्छा मानता हूँ, उसके दिमाग में ना पॉजिटिव रिलीज होता है, पॉजिटिव बोलते हैं डोपामिन रिलीज होता है। ये सवाल करो आप, किसके नाम से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पेमेंट बीटीसी करेंगे या गूगल पे, ये भी पूछो आप। अपने टाइप में वर्चुअल करेंसी में भी होता है, गूगल पे से भी कर सकते हैं, पेमेंट ऑप्शन दीजिए उनको, पूछिए डायरेक्टली। कुछ लोग सोचते हैं यार पेमेंट कैसे पूछूं उससे, मैं डरता है, हिचकिचाते हैं, पेमेंट पूछेगा तो क्या बोलेगा, पेमेंट क्या करूं पूछेगा। शर्माओ मत सर, आपका बिजनेस है, आप इस बिजनेस के मालिक हो, जितना आप काम करोगे उतना कमाने वाले हो, क्या बोलेगा, पेमेंट क्या बीटीसी से करोगे क्या गूगल पे से, पूछो ना। उसके बाद क्या करना है, कौन सा पैकेज लेकर चालू करना है आपको, पूछो ना कौन सा पैकेज लेना है, व्हाइट पैकेज, ब्लैक पैकेज, गोल्ड पैकेज, टाइटेनियम, टाइटेनियम प्रो, उसको ऑप्शन दो, बताओ ये पैकेज में ये बेनिफिट है, ये पैकेज में ये बेनिफिट है, पैकेज में ये बेनिफिट है, ऑटोमेटिक वो कोई ना कुछ पैकेज चूज करेगा। यूजर ने क्या सोचा है, ये भी बहुत अच्छा पॉजिटिव सवाल है। आप प्रोस्पेक्ट को पूछते हो ना यूजर नेम क्या रखना है, तो उसको पूछिए आपके बच्चे के नाम से करना है या आपके नाम से करना है या माँ बाप के नाम से करना है या आपके रिलीजन के नाम से भी करना है, उसको ऑप्शन दीजिए, वो ऑटोमेटिक आएगा। यूजर नेम खुद बोल दिया ना, सवाल का जवाब दिया ना उसने, यूजर नेम ये रखना है, तो समझो क्या आ रहा है बिजनेस में। इनकम बीटीसी में लेंगे, किस वॉलेट में, वॉलेट में कौन सा वॉलेट में पेमेंट लेंगे, सर सवाल कर सकते हैं, ये सब पॉजिटिव सवाल है। ये सब पॉजिटिव सवाल डालोगे तो पॉजिटिव आंसर भी आएगा। हमें हमारे दिमाग से नेगेटिव निकालिए, हमें ना नेगेटिव छोड़ के पॉजिटिवली आंसर करना है, क्वेश्चन करना है, तो पॉजिटिव आंसर भी आएगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, प्रोडक्ट काम का नहीं है, प्रोडक्ट काम का नहीं है, क्या काम का नहीं है, आप बता सकते हो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है, नॉर्मली कौन सा गेम खेलते हो लोग, मोबाइल में क्या गेम है, मल्टी वॉलेट क्या काम करता है, माइंडो किस काम का है, वो सारा चीज। एक प्रोडक्ट का नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। जब प्रोडक्ट काम का नहीं है बोलते ना, क्या काम का नहीं है, सर गूगल पे आपका काम का नहीं है क्या, आज फेसबुक आपका काम का नहीं है क्या, एप्लीकेशन तो हमें बताना है, एप्लीकेशन क्या है, पैकेज कॉस्टली है सर, सर पैकेज कॉस्टली नहीं है, पैकेज कॉस्टली बोलते हैं तो उस पैकेज के बारे में निकाल के बताओ, पैकेज लेने से आपको क्या बेनिफिट है, कितना लॉयल्टी पॉइंट मिल रहा है, उसमें ट्रैवल बेनिफिट कितना मिल रहा है, आपको एक साल के लिए गेमिंग मिल रहा है, ये सारा नॉलेज आपके पास रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन में आएगा तो ये सारा नॉलेज आपको रख के बताना पड़ेगा, ये सारा चीज लेना पड़ेगा, नॉलेज लेंगे तो आप बेनिफिट है। टाइम नहीं है सर, टाइम नहीं है मतलब क्या है सर, सर आज इतने सालों से आप काम कर रहे हो, आपके पास आपके पर्सनल के लिए टाइम नहीं है, आपके पास सारा चीज है, बोलते ना पैसा कमाना है और लाइफ में सपना भी पाना है तो थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। फेसबुक में, व्हाट्सएप पे दिन का 4-4 घंटा लोग बिताते हैं, ऑफिस में हो या घर पे भी हो, कहीं पे भी देखिए आज के लाइफ में फेसबुक और व्हाट्सएप में लोग रहते ही, उन्हें टाइम मैनेज करना बताइए, आपको आना चाहिए सर, टाइम कैसे मैनेज होगा, जो फ्री टाइम है सर वो टाइम में करना है, हमें ऑफिस के टाइम पे नहीं करना है, आपके काम को डिस्टर्ब मत कीजिए, कैसा टाइम मैनेज करना है वो निकाल के बताइए। पैसा नहीं है सर, उसको सबके पास यही रहता है पैसा नहीं है, मगर सबके पास पैसा है,
पैसा जब निकलेगा जब उसका रीजन क्लियर होगा। क्यों? जरूरत। कोई भी इंसान जरूरत पे पैसा निकालता है, नहीं तो नहीं निकालेगा। उसको एग्जांपल बता सकते हैं, समझो सर आप चलते रास्ते पे आपका मोबाइल नीचे गिर के टूट गया तो आप क्या करोगे? वो बोलेगा मोबाइल तो सर लूंगा, कैसे लोगे? क्यों लेना है? क्योंकि वो जरूरत है, जरूरत है तो बंदा पैसा खर्चा करता है। जब आपका समझो कि फैमिली में कोई रिलेशन में हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, डॉक्टर ने कहा कि आज रात को 1 घंटे के अंदर आपको 2 लाख रुपए भरना है, तो वो बंदा कैसे भी अरेंजमेंट करेगा। क्यों? जरूरत है। इंसान को जरूरत को बताना पड़ेगा, जरूरत क्या है, क्राउड वन में पैसा क्यों कमाना है, क्या जरूरत है, क्राउड वन में क्या होने वाला है, वो जरूरत उनको निकाल के बताएंगे तभी उनसे पैसा आएगा। शर्माइए मत पैसा निकालने की, जरूरत निकाल के बताइए, उनका पॉइंट्स बताइए, इंसान कभी पैसा निकालता है। मैंने बहुत किया है फ्रेंड्स, बुरा मत मानिए। आज जो भी क्राउड वन में है हमारे साथ जुड़े हैं, सभी लोगों ने बहुत कुछ किया है, कहीं पे सक्सेस नहीं मिला है, इसके लिए आज क्राउड वन में जुड़े हैं सक्सेस पाने के लिए। ऐसे कई सारे लोग बोलते हैं मैंने बहुत किया है, तो उन्हें पता ही वो जमाना गया, प्रोडक्ट बेस ऐसा ऑफलाइन का जमाना गया है, ये डिजिटल है। डिजिटल के अंदर क्या बदलाव आया है और आने वाले समय में इस इंटरनेट के बिजनेस से कितना पैसा बनेगा, आगे कितना सक्सेसफुल होने वाला है, जिंदगी बदलने वाला है, ये सारा चीज आपको निकाल के बताना पड़ेगा। क्योंकि सभी ने बहुत कुछ किया है, सभी ने बोलते हैं इन्वेस्ट किया, लेकिन उन्हें वे क्लियर करना है, तुमने बहुत कुछ किया है बट इसमें कुछ अलग है। वो जमाना गया जिधर आप फिजिकली काम करते, फिजिकली आपने लॉस्ट हुआ, आपको मेहनत गया, यहाँ पे आप घर बैठे मोबाइल से पैसा बना सकते हो। दो लोग नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत गलत बात है। लोग कहते हैं कि दो लोग नहीं है, आप ही सोचेंगे, आपको तो पता है दुनिया में कितने बड़े आबादी है, दो लोग नहीं मिलेंगे। एक इंसान जब मर जाता तो कंधा देने के लिए 4 लोग आते हैं बिना बुलाए। तो हम जिंदा है, स्वस्थ है, नॉलेजेबल है, पढ़े लिखे है, सब कुछ जो भी है, हम दो को आराम से लेके आ सकते, बड़ी बात नहीं है दो को लेके आना। ये अपने आप को छोटी तसल्ली देते हैं, दो नहीं है, दो लोग नहीं है, छोटी तसल्ली, एक्सक्यूज। लाइफ में कुछ भी नहीं पाना है ना, ये लोग ऐसा बहाना करेंगे, दो लोग नहीं है। बात करने नहीं आता फ्रेंड्स, एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, बात करने नहीं आता। कल के रात का जूम मीटिंग हुआ था तमिल में, रहमतुल्ला शेख जो हमारे टीम में है, उन्हें 6 महीने पहले बात करने नहीं आता था। उनको मैं एग्जांपल देता हूं, मैं बिल्कुल बात नहीं करने आता, लेकिन कल रात को उन्होंने तमिल में पूरा जूम लिया, उन्होंने फर्स्ट टाइम लिया, जबरदस्त जूम लिया तमिल में, बात करने नहीं आता था मगर उन्होंने लिया, क्योंकि उनका वाई क्लियर है। वाई क्लियर रहेगा ना दोस्तों, कोई भी तकलीफ है आपको दिखेगा नहीं, सब दूर हो जाएगा। तकलीफ क्या है पता है ना, एक छोटा सा एक पत्थर लीजिए, आपके आंखों के सामने रखिए, बहुत बड़ा दिखेगा, वो तकलीफ है। आप तकलीफ को ऐसा देखते हो, आंखों के सामने रख के देखते हो, तकलीफ है तकलीफ है, उसको थोड़ा दूर करेंगे ना थोड़ा छोटा नजर आएगा, और थोड़ा दूर करेंगे ना वो तकलीफ ही दूर हो जाएगा। उठा के फेंक दो, तकलीफ खत्म, आपको पूरा दुनिया दिखेगा। वो तकलीफ को ना आप नजर के सामने रख के बैठे हो, मुझे तकलीफ है, मुझे बात करने नहीं आएगा, एक्सक्यूज देते बैठे हो अपने आप को, थोड़ा दूर करो तकलीफ को, उठा के देखो, तकलीफ तो यूं खत्म हो जाएंगे, मरते दम तक तकलीफ रहेगा मगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स सिंपल सिस्टम फॉलो कीजिए, सिस्टम वर्क, फॉलो द सिस्टम। जो भी सिस्टम गाइडलाइंस को फॉलो करेगा 100% सक्सेस होगा, 101% सक्सेस होगा। आज के बाद कौन सिस्टम फॉलो करेगा पता नहीं, लेकिन आज जो जुड़े हैं जूम में, जितने लोग जुड़े हैं गारंटेड सक्सेस हो गए। मुझे लगता है 99% लोगों को समझ में आया रहेगा कि गलती कहां पे कर रहे हैं, 99% गलतियां बस सुधारो, अपने गलतियों को सुधार के उस गलतियों में क्या सुधार लाना है सुधार लाओ, बेस्ट है, रिग्रेट नहीं फील करोगे आप, बाद में जाके अफसोस नहीं करोगे यार मैंने मिस किया। अफसोस करने से अच्छा है कि आपके गलतियों से आप सीखो, कहां गलतियां करते, कहां सुधारना है,
सीख के लो, अपने अपलाइन से कांटेक्ट में रहो, सक्सेसफुली बिजनेस करो। दोस्तों इसलिए हो गया 4 बेसिक प्रेजेंटेशन भी। अभी इसके बाद जो भी बंदे को सवाल रहेगा वो भी सवाल कर सकते हैं, जवाब मिलेगा यहाँ पे, और किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। आज का सेशन रखा गया इसी के लिए, क्योंकि लोग कई सारे चीज में गलतियां कर रहे थे, वो गलतियां सुधारने के लिए हम लोगों ने ये रखा है मीटिंग। राजेश सर आपको मैं को होस्ट करता हूँ, किसी को कुछ भी डाउट रहेगा तो आप फोन करके मतलब हैंड रेस कीजिए, बात करेंगे। प्रवीण सर आपको भी को होस्ट करता हूँ। हेलो, यस सर, थैंक्स फिर से आपको सर कि आपने बहुत ही बेहतरीन 15 से 20 मिनट में खत्म किया सेशन को, बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर से आपके लिए मैं क्लैप करता हूं सर, थैंक यू। और जो भी यहां पे डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं, सभी लोगों ने कुछ ना कुछ चीजें सीखी रहेंगी यहां पे। अगर कुछ भी यहां पे डिफिकल्टी आई है कि भाई मुझे सीखने का मौका नहीं मिला, शायद मिस हो गया, तो मुझे अभी इस समय पर्सनली या तो फिर अपने झूम पे डायरेक्ट बात कर सकता है, सभी के लिए ओपन है और बात कर सकते हैं। कि देखो सर ने जो चीज सिखाया है ना, ये चीज को सीखने के लिए मैंने काफी पैसा दिया है ट्रेनर को, और ये सर की मेहनत है, सर काफी थक चुके हुए हैं। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि इसका इस्तेमाल कीजिए। देखो जो सीखते है ना, उसको अगर हम इनकैश नहीं करते हैं ना, तो हमारे लिए फुकट, मतलब बेकार गया। अगर हमने आज यहाँ पे 1.5 घंटा 2 घंटा जो दिया है समय, ये 2 घंटा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? आज 2 घंटा देने के वक्त सभी लोगों को थैंक्स बोलता हूँ कि जो भी आज यहाँ पे 20 लोग है, 20 लोग है, 20 के 20 हाँ, ये 20 लोग है, बाकी 10 लोग शायद वैक्सीन का टाइम आ गया, चला गया वैक्सीन लेने के लिए। उनका वैक्सीन का टाइम आ चुका रहेगा शायद, वैक्सीन लेने के लिए गए हैं। तो सभी को मैं मौका दूंगा, और जो जितना जल्दी हैंड रेस कर सकता है उसके साथ हम बात कर सकते हैं। ओके सर, हैंड रेस किए। यस सर, नमस्कार। नमस्कार सर, सर जी आवाज आ रही है? नमस्कार सर जी। यस सर, पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ राजेश सर जी आपको, और बहुत बेहतरीन सेशन ले कुमार सर, हैंड रेस आपको सही, एक जबरदस्त नॉलेज दिया हमको। आपने वाई पे बहुत ज्यादा फोकस किया है सर, बहुत जरूरी है वाई पे फोकस करना, क्योंकि हमारी सबसे गलती क्या हो रही थी और हमें क्या करना चाहिए, सवाल तो बहुत सारे दुनिया के रहेंगे, लेकिन हमें क्या क्या करना है, क्योंकि हम बदलेंगे तभी दुनिया बदलेगी। अगर हम दुनिया को बदलने जाएंगे तो हम भी बदल करेंगे, लेकिन खुद अगर बदलेंगे उसके बाद दुनिया को बदलना ही बदलना है। दूसरा मुझे अच्छा पॉइंट लगा, एक निरंतरता होनी चाहिए काम में, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। एक बार प्लान देखा, एक दिखाया, तो जब हम देखते हैं प्लान तो बहुत आसान लगता है, लेकिन हम जब देने जाते किसी के सामने बैठते हैं, तब हमको मालूम होता है क्या तकलीफें आती है, तो हमको उसका रिविजन करना चाहिए बार बार। क्योंकि जो भी बड़े एक्टर बने या खिलाड़ी बने, उन्होंने ढेर सारी मेहनत की उसके पीछे, खाली हम उनको देखते पर्दे पे या टीवी पे देखते तो हमको सब आसान लगता है, लेकिन उनके पीछे जो मेहनत है, जैसे आज कुमार सर ने या राजेश सर ने जो भी मेहनत की, वो हमको नहीं मालूम, वो परफॉर्मेंस हमको दिखता है, लेकिन हमें भी ये चीजें करनी पड़ेगी तब हम जाके सक्सेस हो सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब हमारा वाई क्लियर होगा। यस सर, हम डेफिनेटली वाई पे काम करेंगे और नॉलेज लेंगे, आपसे लेंगे, जो हमारे सीनियर है उनसे लेंगे, और जो बार बार जो मतलब जैसे कि जो रेगुलरली मीटिंग होती है, एक्टिव ग्रुप मीटिंग की या एक्टिव ग्रुप जो भी, उनसे जो भी नॉलेज मिलता है लेते रहेंगे, और डेफिनेटली जीतेंगे, राउंड वन में जरूर जीतेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। यस सर, गायकवाड सर, ये मीटिंग आपको भी लेना है। यस, और ऐसा नहीं कि आपको भी खाली सुनना ही है, कंटिन्यूसली आप भी नेक्स्ट टाइम प्लान आपको देना है, कम से कम प्लान देने वाला बनना चाहिए। क्यों मालूम है? जितना आप जल्दी प्लान देना सीखेंगे, क्योंकि 1-to-1 में तो कोई भी बोल सकता है सर, लेकिन जब हम पब्लिक के सामने बात करते हैं तो उसका मजा अलग आता है। यस सर, यस सर, तो सभी को ये सीखना है और सिखाना है। यस सर, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा हैंड रेस करेगा खाली, उसको नहीं, सभी को
मैं आज एक एक करके बोलने वाला हूँ, भले वो अपना नाम बता के जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन सभी को बोलना है आज। यस सर, यस सर, डेफिनेटली। थैंक सर, आपने पहला हैंड रेस किया, बधाई। थैंक यू सर। और रहमतुल्ला शेख सर। यस सर, आवाज आ रही है मेरा? यस यस सर। आज तो समझो एक मीटिंग भी हो गई, ट्रेनिंग भी हो गई, सब कुछ तो हो गया है, हर चीज सबको, जितने भी जूम में बैठे हैं सबको तो फुकुड़ में आज मिल गया है। लोग पैसा तो नहीं दिए, सब लोग को फुकुड़ में मिल गया है। एक जमाना था हमने मटुंगा गए एक वेस्टेज का मीटिंग सुनने के लिए, वहां भी पैसा नहीं था, फिर भी हम लोगों ने 2 घंटा उसके लिए इंतजार किए, पानी पिए, नाश्ता करे, इस तरह इस मीटिंग को सुनने के लिए हम लोग ने 2-2 घंटे गवाए, पर आज तो हमें घर बैठे फुकुड़ में मिल गया सर, बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है, आज फुकुड़ में मिल गया। और दूसरी बात, जो भी ये मीटिंग के लिए जितना वक्त इन्होंने गवाया है, जितना मेहनत किए हैं, जितना कोशिश करे हैं ये मीटिंग हम तक पहुंचाने के लिए, इनको कम से कम कदर करना जरूरी पड़ता है। इसके लिए मैं इन दोनों को धन्यवाद तो जरूर कहूंगा, और मेरा भाषण भी यहीं से मैं खत्म भी करूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, रहमतुल्ला सर जी, और सभी लोग बने रहिए। और एक लास्ट में गुड न्यूज भी है, मैं गुड न्यूज बताने वाला हूँ कुमार सर के मुंह से, सुनेंगे बाद में। और कुमार सर, क्या सर? यस सर, गुड न्यूज आपको ही बताना है, लेकिन एक एक करके हम लोग सभी को अनम्यूट करेंगे। अभी आपके लाइन में जो भी नीचे लगता है कि जिसने बात नहीं किया उनको अनम्यूट कीजिए और बात करने का मौका दिए, भले वो अपने नाम बतावे। ओके ओके, ठीक है सर। इसके आपके नीचे जो भी दिखता है, जो भी दिखता है, बालू केदार। हाँ, कीजिए अनम्यूट सर। हेलो बालू सर, हेलो बालू सर, अमित जाधव कीजिए सर। अमित जाधव, हेलो सर। यस अमित जाधव, यस सर बोलिए। यस अमित सर बोलिए सर, अनम्यूट नहीं हुए सर। नहीं किया ना सर, शायद फिर से म्यूट कर, अभी किया ना सर। हेलो सर। हाँ बोलिए अमित। सर आवाज आ रही क्या? सर आ रही है। हेलो। हाँ आ रहा है सर, बोलिए। हाँ सर मेरा आवाज हाँ सर, कुछ नहीं सर, आपने बढ़िया प्रेजेंटेशन किया सर, खाली कुछ कमियां थी हमें थी जिसको हमने ध्यान नहीं दिया सर, लेकिन अभी से जैसा कि आप बताए जो कमियां है उनको पूरा करेंगे सर, जो भी गलतियां हुई उनको सुधारेंगे, बाकी सब सरकार साथ तो हमारा पे है, अभी खाली शुरुआत करना बाकी है सर। कुछ प्रॉब्लम थे उनकी वजह से थोड़ा हो नहीं पाया, लेकिन अभी से सर होगा, जरूर होगा सर। थैंक यू सर, कीजिए सर, बाकी कीजिए सर। यस सर, नेक्स्ट। यस सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट अशोक पवार जी, मिस्टर अशोक पवार। हाँ यस सर। सर जी, आपने जो एक 4 बेसिक लिया बहुत अच्छा लिया, मैंने वो नोट डाउन भी किया, क्योंकि हमेशा मैं 4 बेसिक जो रहता है वो नोट डाउन करते ही रहता हूँ, क्योंकि क्या मैं हर वक्त नया नया कुछ सीखना पड़ता है, सीखने को मिलता है। वैसे ही मैंने भी बहुत कुछ अभी एक किया है, लिखा है, लेकिन बाद में आपने लिखा है ना चैलेंजेस, we all face यानी चैलेंजेस कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में एक ही है ना, वो मुझे अच्छा लगा। ठीक है, और बाकी सब सेशन बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। चेतन जी सर। चेतन चेतन जी, हेलो यस सर बोलिए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर, ग्रेट इवनिंग। ग्रेट इवनिंग, ग्रेट इवनिंग सर। हाँ सर, बहुत मस्त था ट्रेनिंग,
मुझे ऐसा लगा मैं 20 साल पहले स्टेप पर गया हूं, ऐसा लग रहा है अभी मैं खुला हूं नेटवर्क मार्केटिंग में सर, बहुत मजा है। थैंक यू सर। आप बोला सर, हमने तो 30 साल का एक्सपीरियंस, मैं तो यहां पे क्लैप करते बैठा हुआ था, मजा आ रहा था ऐसे सुनने में डायलॉग वगैरह, कितना अच्छा लग रहा है कि फोर बेसिक में आपकी जान है, जितना देखो जितना करने में मजा आ रहा है सर। यस सर, थैंक यू सर। हाँ सर, मेरा एक ही कहना है सर, जितने भी हम जूम में बैठे हुए हैं ये एक डुप्लीकेट बिजनेस है, तो जो आप कर रहे हैं हमारे सर उसी को हमें फॉलो करना है और उसी को हमें डुप्लीकेट करना है। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरे टीम में 3000 लोग है, 100 जन है, 3-4 जन है, 10 जन है, 20 जन है, 1000 जन भी है या 50,000 भी है, मगर ये देखिए कि आपके टीम में कितने जन एक्टिव है। अगर एक्टिव नहीं है तो ये चीज अगर आप जो बताए हमारे कुमार सर, अगर इसको करने से आपका पूरा टीम एक्टिव हो सकता है, हर किसी को इसी ट्रेनिंग देने का आपको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। यही संदेश है मेरा, जितने भी 20-25 जन है उसको फॉलो करो, मजा आएगा काम करने में, वाइट हो जाएगा। थैंक यू। हेलो सर। यस सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट है बालकृष्णन सर। बालकृष्णन सर। गुड इवनिंग कुमार सर। गुड इवनिंग। एकदम बढ़िया है, जो भी आपने मिस्टेक्स और फोर बेसिक्स बताया, हम उसको बार बार ये सेशन को रिकॉर्डिंग करके बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि हम जो सुन फिर बाद में वो भूल जाते हैं, फिर बाद में ये फोर बेसिक्स तो हमने फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर बाद में हम बढ़ाना शुरू करते हैं। मैंने भी सोचा कि मैं कल से मैं जूम प्रैक्टिस करूंगा, मैं प्लान दिखाने के लिए मैं पहला मेरा मिसेस के साथ प्लान मैं अभी बात किया कि जूम में कैसा प्लान प्रेजेंटेशन करना है, मैं एक दो बार प्रैक्टिस करूंगा, फिर आपके साथ वन ऑन वन मैं जूम पे प्रेजेंटेशन आपको एक बार दिखाऊंगा, आप मुझे करेक्ट करिए, फिर हम रेगुलर मैं रेगुलर जूम भी लेना शुरू करता हूं सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर बहुत बढ़िया, करने के लिए हम लोग कोई नहीं है सर, आप जूम लेने स्टार्ट कीजिए, ऑटोमेटिक आप खुद करेक्ट कर लोगे सर आप। यस सर, डेफिनेटली सर। नेक्स्ट मानकर सर। थैंक यू सर। मयंकर प्रवीण सुतार सर, प्रवीण आर सुतार बोलिए सर। हेलो सर। यस सर, बोलिए सर, वेलकम। थैंक यू सर, आज का मीटिंग बहुत अच्छा लगा। मेन तो ये कि अपना वाई क्लियर करने के लिए जो हम लोग फोकस ज्यादा करना चाहिए और हम करेंगे, और जो आप उनके हमसे गलतियां होती आ रही है उसमें हम सुधार करेंगे। सर यस सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया सर। राजेंद्र लखन, राजेंद्र लखन सर, लखन ओके, ट्रिपल सर, 777। हेलो सर, बोलिए सर, बोलिए वेलकम आपका। आवाज आता है क्या? आवाज बहुत क्लियर। मस्त सर, मस्त मीटिंग जो दिया है आपको, आपने जानकारी दी है तो बहुत भारी दी है, हमारे कुछ गलतियां हो रही है अभी से नहीं होंगी, तो फॉलो कैसा लेने का है, ज्वाइनिंग कैसी मारने के, अब सब देखा, अभी सीख रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सर। इसके बाद आते हैं रहमतुल्ला सर, बात कर चुके हैं, मिस्टर सफीउल्ला, मिस्टर सफीउल्ला, ठीक रहे मिस्टर सफीउल्ला। यस सर। हाँ सर, बोलिए सर। मिस्टर सफीउल्ला सर। हेलो सर। हेलो सर, आवाज आ रहा है सर, बोलिए। कंटिन्यू,
ओके सर, फिर सर बिजी लगता है। ओके लास्ट है यूसुफ भाई, यूसुफ खान लास्ट पार्टी सर। सभी लोग हैं, विश्वनाथ सर बात किए, यूसुफ खान, मिस्टर यूसुफ खान, मिस्टर यूसुफ खान, मिस्टर यूसुफ खान, हेलो, यस सर, बोलिए सर। हाँ सर, बहुत बढ़िया प्लान था आज का। यस सर, के कुछ कुछ सीखने को मिला, मतलब बहुत बहुत कुछ मिला मुझे। हाँ बहुत बढ़िया सर। सर ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, यूसुफ लब्बई, यूसुफ लब्बई, यूसुफ लब्बई, मिस्टर यूसुफ लब्बई, नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट है यूसुफ वाशी। हेलो, यस यूसुफ सर। हाँ सर, बहुत बढ़िया था आज। यस सर, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अच्छे से करने के लिए। सर मेरे पीछे जो लिखा है ना, उसे ध्यान से पढ़िए। ओनली आई कैन चेंज माय लाइफ, नो वन डू इट फॉर मी, राइट। ओके ओके, तो आपकी जिंदगी बदलेगा। ओके सर, ओके, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। यस यस, आगे और अच्छा करेंगे। ओके यस सर, यस सर, ओके सर। हमारे साथ प्रवीण सर भी जुड़े हैं, और बहुत ही सर, किसी को कुछ भी कॉलिंग या फिर क्लोजिंग के लिए कुछ भी क्वेश्चंस है, कैसे बात किया जाता है, तो उसके लिए भी हैंड रेस कर सकते हैं, किसी एक को ही मौका दिया जाएगा। अगर चाहे तो फर्स्ट हैंड रेस कर सकता है कि मुझसे क्लोजिंग नहीं हो रहा है तो मैं बात कर सकता हूँ उसके ऊपर, नहीं तो फिर अभी प्रवीण सर को मौका दिया जाएगा बात करने के लिए, क्योंकि प्रवीण सर हमारे मेन लीडर है और उनसे बात करना हमें जरूरी है। यस यस, प्रवीण सर हमारे टॉप लीडर है, उनसे नॉलेज लिए हम लोगों ने भी, हमने भी सीखा है, उनसे ही सीखा है कई सारा चीजें, अब भी सीखेंगे, अब प्रवीण सर कुछ शेयर करेंगे। पहले सफीउल्लाह कुछ बात करना चाहते हैं सर, प्रवीण सर एक मिनट, सफीउल्लाह कुछ बात करना चाहते हैं। यहाँ सर बात उठेंगे। ओके नो प्रॉब्लम सर, प्रवीण सर प्लीज सर। यस सर, यस सर, प्रवीण सर, कुमार सर ने और राजेश सर ने जो इनिशिएटिव लिया है, देखो यही है सक्सेस का मंत्र। ये बिजनेस अगर आपने खुद का समझा, ये बिजनेस मेरे अपलाइन का नहीं है, मेरा खुद का बिजनेस है, और ये बिजनेस ग्रो करने के लिए मुझे जो भी करना पड़े वो मैं करूंगा, इस थॉट प्रोसेस से अगर इस बिजनेस को आप करेंगे ना, तो कोई भी, मैं बोलता भगवान भी आपको रोक नहीं सकता ये बिजनेस में एम्बेसिडर 3 होने से। तो बिजनेस का सिंपल रूल है, ये बिजनेस अपना समझिए, मैं किसी बिजनेस में जुड़ा हूं, ये बिजनेस राजेश सर का है, ये बिजनेस कुमार सर का है, ये बिजनेस रहमतुल्ला सर का है, ये ना समझते हुए ये बिजनेस खुद का है, ये बिजनेस मेरा है, और ये बिजनेस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए मुझे जो भी करना पड़े वो सारी चीजें मैं करूंगा, तो आप गारंटेड ही बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे। दोस्तों कभी भी मैंने राजेश सर को बोला नहीं है कि ये टीम के साथ काम करो, वो टीम के साथ काम करो, मैंने कभी भी कुमार सर से कभी बात नहीं की कि सर आज क्या आप कर रहे हो, लेकिन वो क्यों कर पा रहे, वो क्यों कर रहे, क्योंकि वो खुद समझते हैं कि ये बिजनेस मेरा है। प्रवीण सर ने दिखाया या महेश सर ने दिखाया, अभी ये दिखाने के बाद मुझे क्या करना है वो मैं डिसाइड करूंगा। ये जब थॉट प्रोसेस आप कर पाएंगे ना, और ये जब थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आएगी ना, तो आपका सक्सेस होना ये बिजनेस में तय है, कंफर्म है।
तो बस वही थॉट प्रोसेस से बिजनेस को ग्रो कीजिए। और मैं सभी को कहूंगा, आप जहां भी है, आज जो भी नॉलेज कुमार सर ने दिया है उनके लिए तहे दिल से जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार। थैंक यू सो मच। क्योंकि क्योंकि दोस्तों ये जो भी नॉलेज देना है या अपने लोगों को सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें जो भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रहे उन सभी प्रॉब्लम को सलूशन देना, ये काम लीडर का होता है। और वो काम राजेश सर ने और कुमार सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अदा किया है, तो उनका सक्सेस कंफर्म है। बस उनको फॉलो कीजिए, वो जो भी कर रहे बस उनको फॉलो कीजिए, आप भी गारंटेड गारंटेड क्राउड वन में एम्बेसडर थ्री बनने से कोई रोक नहीं सकता, कोई न रोक नहीं सकता। ओके, तो अगेन मैं कहूंगा थैंक यू कुमार सर, थैंक यू राजेश सर, कि अपने टीम के लिए ये सोच देने के लिए, ये सोचने के लिए, क्योंकि ये सोच आने के लिए ना बहुत टाइम लगता है। अगर वो टाइम अगर हर बंदे ने स्टार्टिंग से लिया ना, तो नेटवर्किंग करना एकदम इजी टास्क है, एकदम इजी टास्क है। ओके, तो हर एक को मैं यही कहूंगा, ऊपर वाले से मैं यही दुआ करूंगा, या जो भी ये जूम में है ऑलमोस्ट आज 17 लोग है, ये 17 लोगों में से अगर 3-4 लोगों ने भी ये राजेश सर का थॉट प्रोसेस या कुमार सर का थॉट प्रोसेस अपना लिया ना, तो ये मीटिंग कुमार सर का मीटिंग सक्सेसफुल है, मैं समझ जाऊंगा। ओके, क्योंकि एक एक मीटिंग में अगर एक एक लीडर भी मिला ना, तो ये बिजनेस में करोड़ों कमाया जा सकता। लेकिन वहां तक पहुंचना चाहिए, वो लीडर आने तक टिकना चाहिए, काम करना चाहिए, और वो काम बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कुमार सर कर रहे और राजेश सर कर रहे। बस उनको फॉलो करना, वो जो भी कर रहे उस चीज को आप फॉलो करना, आप भी सक्सेस के नजदीक होंगे। ओके, तो अगेन मैं कहूंगा थैंक यू कुमार सर, थैंक यू राजेश सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जो हमारे साथ आज जुड़े रहे और अपना समय दिया उन्होंने 2 घंटा, बहुत बहुत थैंक। आज ऐसा लीडर मिलना मुश्किल है, नहीं तो लोगों को इतना टाइम नहीं होता ये रैंक अचीव करने के बाद। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि सर ने हमें समय दिया और हमारी टीम आज यहाँ पे बैठी हुई है, जो भी है कि सीखने के लिए आज रेडी है, तो टेंशन नहीं है। ये 17 का आंकड़ा बहुत लकी आंकड़ा है मेरे लिए भी, तो बराबर ना, कोई काट नहीं सकता सर इस आंकड़े को। तो 17 तारीख का ज्वाइनिंग भी था और आज मुझे 18 महीना हो चुका इस बिजनेस में ज्वाइन। थैंक यू सर, कल मैं मिलता हूँ तलासरी में। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया, गुड गुड सर। कल मैं मॉर्निंग में 10 बजे का मेरा मीटिंग है सर। राजेश सर, यस सर, बोलिए। आपके जैसे ही तलासरी में लीडर क्रिएट करो, फिर ये बिजनेस देखो क्या होगा, बस आपके जैसे ही सर। ओनली तलासरी नहीं, ओनली जहां तक भी अपनी लोग जुड़ेंगे क्राउड वन में। लेकिन तलासरी में बहुत महीने से आप जा रहे हैं, बस उसका डुप्लीकेशन कीजिए, बस हो जाएगा पक्का। यस सर, आपके दिए हुए नॉलेज के ऊपर मैं चल रहा हूँ और मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि जब भी मैं कुछ भी कंसेप्ट पकड़ता हूँ तो एक ही कंसेप्ट पकड़ता हूँ। आज भी मैं ये जो हमारी जो तैयारी है, कल रात से तैयारी हमारी, हम दोनों ने इसके ऊपर काफी वर्क किया। कल मेरा नेट नहीं भी चालू था तो भी मैंने काम किया। आज मैंने नेट बंद होने की वजह से मैंने जियो का सिम कार्ड लेके आया। मैंने ये भी बोल सकता था कि मेरा नेट बंद है, मैं नहीं कर सकता, कुमार सर आप ही लीजिए, मैं तो मेरा नेट बंद हो गया है। कल प्रॉब्लम होने की वजह से नेट नहीं चला, लेकिन मैं उस जूम में कनेक्ट नहीं हो पाया, रहमतुल्ला सर के जूम में।
तो सबसे बड़ा अभी अपडेट देने वाले हैं हमारे कुमार सर। सर कौन सा अपडेट सर? सर भूल गए क्या? कोई बात नहीं है, लास्ट हम अपडेट देने वाले थे आज हमारे टीम के लिए, जो भी ये महीने का आखिरी एंड है 30 तारीख, अगर 30 तारीख तक हम लोग एक प्रोग्राम बनाए हुए हैं कि अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा बेनिफिट सकते हैं, तो कुमार सर आप बोलेंगे मैं बोलूं? किधर का सर, लास्ट दिसंबर का एंड बोल रहे ना? नहीं नहीं, ये दिसंबर का तो 31 तारीख को बोलना है सर। आप ही क्या बोले सर, गोवा का? गोवा भी नहीं सर, कुछ मैंने बोला था, कोई बात नहीं है, आप बोलिए ना, मुझे याद नहीं है सर, सॉरी। ओके, कोई बात नहीं। तो सभी फ्रेंड्स सुन रहे हैं, तो सभी के लिए मैं एक मौका दे रहा हूँ फिर से, जो भी यहाँ पे जुड़े हुए लोग हैं, जो भी जुड़े हुए थे जिन्होंने नहीं मालूम है, शायद जिम में चले गए हुए हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन दे देना। तो हमने आज से एक ये चालू किया हुआ है, आज जो भी हमारा ये पिन जो है वाइट पिन, वो करीबन 10,000 रुपए का पिन है, और जो भी बंदा यहाँ पे फेरा प्लस अचीव करता है उसको मेरी तरफ से एक वाइट कोड फ्री है। वाँ, और वाँ। जितने भी फेरा प्लस अचीव करेंगे उसकी तरफ से, मेरी तरफ से उसको एक वाइट कोड फ्री है। क्यों मालूम है ये पिन डेवलप करने के लिए हमने ये दिया है? क्योंकि ऑलरेडी इसका कीमत 10,000 रुपए तो है ही है, तो हम 10,000 रुपए लेंगे उससे 4 पिन का, उसको एक पिन फ्री देंगे, ये हमने आज से स्टार्ट किया है। जितना भी हो सके सभी लोग फेरा प्लस अचीव करें और उसको एक पिन फ्री दिलाए हमारी तरफ से, प्लस कंपनी तो एक फ्री देती ही है, तो डबल धमाका है। सॉरी सर, थोड़ा दिमाग से उतर गया फेरा प्लस का। तो कोई बात नहीं है, इसके बाद तो हम बड़ा धमाका लगाने वाले, 10 आज है 18 तारीख, आने वाले 12 दिन के बाद अगर जो भी हमारे साथ बिजनेस से जुड़ा रहेगा, अभी वो 18वें, 19वें, 12वें, 13वें दिन पे इतना बड़ा धमाका सुनने वाला है कि जो बड़ी बड़ी सीएमडी लोग ऑफर देते वो मैं देने वाला हूँ। वाव वाव, बढ़िया बढ़िया, बड़ा मौका देने वाला हूँ, 90 दिन का टारगेट देने वाला हूँ, और ये सभी आप लोगों की मतलब सपोर्टिंग की वजह से हो पा रहा है, क्योंकि मैं जो मेरी आज जो मेरी जर्नी है 18 महीने की, आज मुझे टोटली आज 18 महीना हो चुका है बिजनेस में जुड़ के, आज मैं 35-36 साल का उम्र हो चुका हूँ, लेकिन 35-36 साल की उम्र में मैंने करीबन 32 लाख रुपए कमाया, ये खाली एक कंसेप्ट से। इतना तो मैंने इलेक्ट्रिकल लाइन में भी पैसा नहीं कमाया था। तो कल काफी लोग बोल रहे थे तू क्या कर रहा है, बोला कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्राउड वन कर रहा हूँ। बोलते अभी भी क्राउड वन कर रहा है, 4-5 साल हो गया। तो बोला क्राउड वन 4-5 साल तो कंपनी को स्टार्ट करके नहीं हुआ, मुझे 4-5 साल कैसे हुआ, तो मैं तो अभी 18 महीने का बच्चा हूँ, बोला क्राउड वन में। तो लोगों ने बोला क्या बात करके, 18 महीने, बोला इनवाइस भेज देता हूँ मंगता, तो आप देख लीजिए। तो लोग चौंक गए जब इनवाइस भेजा, जब मैंने अपना ऊपर का फिगर भेजा कि मैंने कितना यूरो कमाया है, तो लोगों को हजम नहीं हुआ। इसके लिए मैं काफी बार बोलता हूँ कि उस आदमी को उतना ही बताओ कि उसको जितना हजम हो सके। तो काफी लोग ऐसे सोचते है ना कि उनको तो प्रॉब्लम हो जाता है कि यार ये तो 15 लाख रुपए कमाया है, तो हम 15 लाख की जगह 5 लाख बताते हैं कभी कभी कि इसको 5 लाख हजम हो जाएगा। तो मैं प्रोफेशनल इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रेक्टर रह चुका हूँ और आज भी हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो अभी कल एक बंदा मेरे से पूछ रहा था कि यार ऑफिस का काम अभी तक चालू नहीं हुआ, ऑफिस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, तो मैंने उसको एग्जाम्पल दिया उस बंदे को कि यार ऑफिस का काम काफी उन लोगों ने सोचा रहेगा 2 महीने में ऑफिस रेडी हो जाएगा, लेकिन ऐसा खाने काम नहीं होता, क्योंकि मैंने भी काफी ऑफिस बनाया हुआ है, काफी 50,000 से 1 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस मैंने बनाया हुआ है। जब हम ऑफिस का काम चालू करते थे तो उस टाइम पे क्या होता है कि हाँ यार ये तो मैंने लगता है काम 2 महीने में हो जाएगा, लेकिन जब हम ड्रिलिंग करते हैं ऊपर से नीचे ड्रिलिंग करना चालू करते हैं, वायरिंग डालना चालू करते हैं, तो नीचे वाला का फ्लोर आदमी ये आवाज बंद कर, तो वहां पे भी काफी ये प्रॉब्लम आता रहेगा। इसके लिए शायद अपना ऑफिस डिले स्टार्ट हो रहा है, 24 तारीख को ओपनिंग हो रहा है, नहीं तो काफी लोग बोल रहे थे अरे अभी तो ऑफिस क्यों नहीं चालू हुआ। तो मुझे मालूम है क्योंकि मैं उसके मेरे को खुद को पता है कि जब अपने इंडिया में जब इतना लोग शोर शराबा करते हैं काम बंद कर, तो जो हमारे आवाज के काम होते हैं, मतलब ड्रिलिंग करना, खोदना, तोड़ना, फोड़ना, तो ये आवाज के काम हम नाइट में करते थे जब ऊपर का नीचे का ऑफिस बंद होता है तब। तो ये तो इंडिया के बाहर का ऑफिस है, तो वहां तो कितना लोग प्रॉब्लम करते होंगे, बराबर ना सर कुमार सर? यस सर, यस।
तो मुझे लगा कि भाई काफी डिले हुआ अपना ऑफिस, क्योंकि आवाज की वजह से हुआ रहेगा। तो सर ने तो ऑलरेडी विजिट किया हुआ है, तो सर को तो काफी नॉलेज रहेगा। यस सर, हेलो हेलो, चलेगा अभी अनाउंसमेंट तो हमने कर दिया है। हेलो, हाँ सर बोलिए। क्या बोल रहे सर? बोल रहा हूँ अभी तो हमने जो भी ऑफर देना था हमने दे दिया। हाँ, वो तो सुना सर, नहीं लास्ट में आवाज नहीं पड़ा था। नहीं वही बोल रहा हूँ कि अभी जो भी है अपना ये जो टारगेट है ये अचीव करते हैं। यस यस सर, आप लॉस के ऊपर फोकस करते हैं। बहुत जल्दी हम सारे टीम के साथ दुबई जाएंगे। यस सर, दुबई जाना है दोस्तों, एक ऐसा शहर है जो आज पूरी वही दुबई भी कर रहा है। दुबई के अंदर पूरी दुनिया के कंट्री के लोग बिजनेस करने आते हैं, दुबई को एक बिजनेस हब बोलते हैं। वैसी क्राउड वन एक है जो जिसके अंदर सारे दुनिया के इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने वाला है। फ्रेंड्स, दुबई जगह जाके आओ, एक बार आपका सपना खुल जाएगा, आपका वाई क्लियर हो जाएगा। वहां का लाइफ स्टाइल देखो, वहां का लग्जरी लाइफ देखो, वहां का टेक्निकल बोलते ना टेक्नोलॉजी देखो। आपके लाइफ में आप सोचोगे कि आप कितना पीछे हो, इतना कुछ खो दिया आपने इतने साथ। दुबई का लाइफ स्टाइल इतना अच्छा है, सपना ड्रीम्स बड़ा कीजिए, सक्सेस 100% मिलेगा। दुबई जाना है, सभी लोगों को डायरेक्टर जाना है, सभी लोग दुबई जाएंगे, 17 के 17 लोग हम लोग दुबई जाएंगे काम करके। यस 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 सर, यस सर, यस सर, यस। ओके ज्वाइंट सर, कुछ करना है या पॉइंट अप करेंगे अभी? यस सर, क्लोज क्लोज। सभी को धन्यवाद दोस्तों, सभी को धन्यवाद जो आज इस जूम में पिछले 2.5 घंटे 3 घंटे से बैठ के सुन रहे हैं। अभी गोवा अचीवर भी पेंडिंग है हमारा, गोवा भी लेके जाने वाले हम लोग, उसका लिस्टिंग चालू है, गोवा का काम भी खत्म हो जाएगा। राजेश सर अपना रहमतुल्ला सही रिमाइंडर कर रहे हैं गोवा का बोलो करके। तो इसी के साथ आज का प्रेजेंटेशन खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने इतना पैशन रखा, 17 लोग जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। ये याद रखिए सिर्फ आप खुद अपनी कंटिन्यू करेंगे, हर सैटरडे को हम लोग ट्रेनिंग लेंगे सर। यस यस सर, ओके सर, थैंक यू, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, हैव स्वीट ड्रीम्स।